हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? चलिए अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी कल तक का जो भी है वो पढ़ कर के आए होंगे। अपन आज एक बार रिवाइज करते हैं उसको और उसके बाद में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। और एंड्रॉयड में ही सपोर्ट करता है ये ऐप। हाँ भाई, तो ये आपकी जो ऐप है ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड वाली ही है, तो आप थोड़ा सा देख लेना है ना। चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। तो फटाफट 10 मिनट के अंदर अपन एक बार रिवीजन करते हैं कल जो अपन ने पढ़ा है। आपके पास में नोट्स होंगे, उनको देखते रहना, साथ साथ में पढ़ते रहना, अंडरलाइन करते रहना। ठीक है, इधर उधर मुंह मत, कतन इधर उधर मत देखना, नोट्स के अंदर देखो, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। चलिए तो अपन शुरू कर रहे हैं, या अपन पढ़ रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस जो है उसको स्टडी करने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। पृथ्वी पर रहते हुए अंतरिक्ष का अध्ययन करना पहला, दूसरा है अंतरिक्ष आने वाली जो विकिरण है, रेडिएशंस या कोई पिंड ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको स्टडी करके स्पेस के बारे में पता लगाना। और तीसरा तरीका होता है अंतरिक्ष के अंदर स्पेस में कोई मशीन, कोई सैटेलाइट या फिर मानव खुद चला जाए और वहां जाकर के स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करे। चलिए उसके बाद हमने देखना शुरू किया ब्रीफ हिस्ट्री, संक्षिप्त इतिहास। सबसे पहले अक्टूबर 1957 के अंदर यूएसएसआर द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया गया। ये पहला मैन मेड सैटेलाइट था, कृत्रिम उपग्रह था। फिर नवंबर 1957 के अंदर 1957 के अंदर यूएसएसआर द्वारा ही स्पुतनिक सेकंड जो है वो लॉन्च किया गया, जिसमें लाइका नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया। फिर अप्रैल 1961 के अंदर यूएसएसआर द्वारा वोस्टोक 1 के अंदर यूरी गागरिन को अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया। ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम ह्यूमन बींग थे। उसके बाद 1963 के अंदर यूएसएसआर की ही वेलेंटिना टेरेश्कोवा जो है उनको वोस्टोक 3 द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष के अंदर। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। उसके बाद में अक्टूबर 1958 के अंदर यूएसए द्वारा नासा की स्थापना की गई। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा द्वारा 1961 के अंदर अपोलो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ये एक्चुअली लूनर मिशन थे, चंद्रमा के लिए मिशन थे। इसी सीरीज के अंदर 1970 के अंदर अपोलो 11 मिशन जो है वो कंडक्ट किया गया, जिसके तहत बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजा गया और नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले पहले मनुष्य बने। उसके बाद में इंडिया के अंदर बात करें तो 1960 के दशक में भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत हुई। 1962 के अंदर इंको स्पार का गठन किया गया, इंडियन नेशनल कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च। इसके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई को बनाया गया और इसीलिए इन्हें भारत के अंदर अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ स्पेस रिसर्च इन इंडिया। फिर 1962 के अंदर टर्ल्स की स्थापना की गई, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। 1963 के अंदर टर्ल्स से ही नाइकी अपाचे नाम का भारत ने पहला साउंडिंग रॉकेट यानी कि टेस्टिंग रॉकेट जो है उसको फायर किया। उसके बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। उसके बाद 1972 के अंदर स्पेस कमीशन का गठन किया गया और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसकी स्थापना की गई। फिर 1975 के अंदर भारत ने पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट आर्यभट्ट नाम से यूएसएसआर की सहायता से लॉन्च किया। 1979 के अंदर भारत ने अपना पहला एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भास्कर 1 यूएसएसआर की सहायता से प्रक्षेपित किया। उसके बाद में 1980 के अंदर भारत ने स्वदेशी निर्मित रोहिणी सीरीज 1 सैटेलाइट को स्वदेशी निर्मित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 द्वारा हमारे यहाँ की ही लोकल साइट श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया। उसके बाद में 1982 के अंदर इनसेट 1A नाम का संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमने नासा की मदद से प्रक्षेपित किया, लेकिन वो असफल रहा। फिर 1983 के अंदर ही इनसेट 1B जो है वो नासा की मदद से हमने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। 1984 में राकेश शर्मा जो है वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जो अंतरिक्ष के अंदर गए। फिर 1987 के अंदर ASLV जो है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च हुई, आज पढ़ेंगे अपन इनके बारे में, ठीक है, इसका सफल प्रक्षेपण हुआ। फिर 1988 के अंदर भारत ने पहला सुदूर संवेदी उपग्रह अपना, वो तो एक्सपेरिमेंटल था भाई, ये पहला आपका प्रॉपर सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A ये USSR की सहायता से लॉन्च किया। फिर 1994 के अंदर PSLV का सफल प्रक्षेपण किया गया। 2001 के अंदर GSLV का सफल प्रक्षेपण किया गया। उसके बाद में 2008 के अंदर इसरो ने पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन चंद्रयान फर्स्ट जो है उसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया। उसके बाद में बात करें 2013 के अंदर पहला नौवहन उपग्रह हमारा लॉन्च किया गया IRNSS-1A। उसके बाद 2013 के अंदर मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 2014 के अंदर हमारा जो इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन है उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। फिर 2017 के अंदर हमने इसरो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, जिसके अंदर 104 सैटेलाइट को उन्होंने एक साथ
ऑर्बिट के अंदर, अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर इन्होंने स्थापित किया। फिर 2019 के अंदर चंद्रयान 2 जो है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चलिए तो ये ब्रीफ हिस्ट्री थी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संगठनात्मक ढांचा की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्पेस रिसर्च के फील्ड के अंदर इंडिया में काम कर रही है। तो देखो सबसे ऊपर आता है आपके प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, इसके अधीन काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतरिक्ष विभाग, और इस विभाग को गाइड करने का, इसके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करता है स्पेस कमीशन, अंतरिक्ष आयोग, ठीक है, और ये उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम करता है, क्रियान्वित करने का काम करता है। अंतरिक्ष विभाग के अधीन बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, सबसे पहले फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में, इसके दो प्रादेशिक केंद्र भी हैं, रीजनल सेंटर है भाई, एक है सोलर ऑब्जर्वेटरी उदयपुर के अंदर और दूसरी है इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी माउंट आबू के अंदर। उसके बाद में आपका नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, ये गडंकी तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये उमियाम शिलोंग मेघालय के अंदर है। फिर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, ये चंडीगढ़ के अंदर है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है। फिर इसरो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। फिर एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बेंगलुरु के अंदर है, ये इसरो की या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की कमर्शियल और मार्केटिंग विंग है, जो फॉरेन कस्टमर्स के प्रोजेक्ट्स जो है उनको लेकर के आती है, मार्केटिंग करने का काम करती है, रेवेन्यू जनरेट करवाने का काम करती है। फिर है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये रिसेंटली इस्टेब्लिश की गई है, बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये हमारे यहाँ पर जो लोकल इंडस्ट्री है स्पेस के फील्ड के अंदर, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग का, उसको हेल्प करने का, उसकी कंसल्टेंसी का काम करती है, ठीक है, उसके लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो ये अपन ने देख लिया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर अपन इसरो के बारे में थोड़ा ब्रीफली बात करते हैं। तो इसरो जो है इसको 1969 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, 15 अगस्त 1969 को इंकोस्पार जो था उसी को इसके इसरो के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, उसको मोटा मोटी आप अगर उसको कंपाइल करोगे तो उसका मतलब ये निकल करके आएगा कि नेशन के डेवलपमेंट के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी और उसके वेरियस एप्लीकेशन जो उनको डेवलप करना, उनको यूज करना। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, क्या कार्यकाल रहे हैं उनके, उनको देख लेते हैं। तो 1969 से 1972 तक आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई रहे, उसके बाद 1972 से 1984 तक सतीश धवन रहे, उसके बाद 1984 से 1994 तक आपके यूआर राव रहे, फिर 1994 से 2003 तक कस्तूरी रंगन रहे, 2003 से 2009 तक जी माधवन नायर रहे, 2009 से 2014 तक के राधाकृष्णन रहे, फिर 2014 से 18 तक आपकी एएस किरण कुमार, और 2018 से अभी तक के सिवन सर जो हैं वो अभी इसको हेड कर रहे हैं। फिर इसरो के अधीन कौन कौन से संस्थान काम करते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे जीएसएलवी पीएसएलवी जो है प्रक्षेपण यान उनको डेवलप किया जाता है। फिर यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है, यहाँ पर सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट का निर्माण किया जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, इसको सार भी बोलते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारी लॉन्च साइट है, यहाँ से हम लॉन्च कर देते हैं उनको। फिर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम के अंदर है और इसका दूसरा सेंटर बेंगलुरु के अंदर है। यहाँ पर क्या किया जाता है आपके, तो ठोस प्रणोदक और जो द्रव प्रणोदक हैं या द्रव प्रणोदन प्रणाली है उनका विकास किया जाता है। फिर इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी हिल्स तमिलनाडु, यहाँ पर जो अपर स्टेज का लिक्विड प्रोपेलेंट है और क्रायोजेनिक स्टेज है उसको डेवलप किया जाता है। कल अपन देख चुके मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन कर्नाटक में है, भोपाल मध्य प्रदेश में इसका दूसरा सेंटर है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद के अंदर है। फिर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये बेंगलुरु के अंदर है। फिर आपका इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क ब्यालालू कर्नाटक के अंदर है। फिर इस ट्रैक की बात करते हैं, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ठीक है, इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर। पोर्ट ब्लेयर है, तिरुवनंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम हो गया, उसके बाद बेंगलुरु आ गया, उसके बाद में आपका श्रीहरिकोटा आ गया, फिर आपका लखनऊ आ गया, ठीक है। और अगर ग्लोबल स्टेशन की बात करें तो नीचे से शुरू हो जाओ, पोर्ट ब्लेयर के बाजू में ही आ जाएगा आपका मॉरिशस, उसके पास इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, रशिया, नॉर्वे और उसके बाद में पैनामा, ठीक है। चलिए फिर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये अहमदाबाद के अंदर है और दूसरा इसका सेंटर दिल्ली के अंदर है। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून के अंदर है, ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए तो ये पूरा का पूरा इसरो के अधीन आने वाले संस्थान हमने देख लिए। फिर हमने कल बात करनी शुरू करी थी ऑर्बिट्स के बारे में, तो उपग्रह की कक्षाएं कौन कौन सी, कक्षा किसको बोलते हैं, तो जो भी उपग्रह किसी अन्य खगोलीय, कोई भी उपग्रह या कोई भी खगोलीय पिंड किसी दूसरे खगोलीय पिंड के चक्कर लगा रहा होता है, तो जिस पथ पर वो परिक्रमा कर रहा होता है उसकी, ठीक है, वो काल्पनिक पथ इमेजिनरी पाथ का कहलाता है, उसकी ऑर्बिट कहलाती है। अपन पृथ्वी के संदर्भ में, अर्थ के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो मैनमेड सैटेलाइट हैं उनके उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंगली, तो जो कक्षाएं हैं उनको तीन कैटेगरी के अंदर अपन बांट सकते हैं या तीन प्रकार से देख सकते हैं। एक होती है आपकी लो अर्थ ऑर्बिट, एक होती है मिड अर्थ ऑर्बिट, एक होती है आपके जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, भूतुल्यकालिक कक्षा, निम्न भू कक्षा, मध्य भू कक्षा और भूतुल्यकालिक कक्षा, एक एक करके देखना शुरू करते हैं। निम्न भू कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये 160 से 2000 किलोमीटर के बीच में अवस्थित होती है,
ठीक है, इसमें मेनली हम 900 से 1000 या 800 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई जो है उसको यूज करते हैं। इसके अंदर जो उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं उनका परिक्रमण काल रिवोल्यूशन पीरियड 92-128 मिनट्स के बीच में होता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग भी टेस्टिंग सैटेलाइट जो है या टेस्टिंग रॉकेट जो है वो यहीं पर लॉन्च किए जाते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो भी यहीं पर लॉन्च किया गया है, जो 400 किलोमीटर की हाइट के ऊपर है और लगभग 15 चक्कर पर डे लगा लेता है अर्थ के। उसके बाद में पोलर ऑर्बिट की हमने बात करी, तो ध्रुवीय कक्षा जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट का ही एक विशेष प्रकार है। विशेष कैसे है, तो इसके अंदर उपग्रह की जो कक्षा होती है वो पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के समानांतर होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स होते हैं वो यहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं, जो जासूसी और निगरानी के लिए, रिकॉनसेंस के लिए आपके सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, स्पाइंग के लिए उनको भी यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है या वातावरण को, एटमॉस्फेयर को, मौसम को स्टडी करने के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। उसके बाद बात करें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट का ही एक स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप कैसे है, तो देखो इस कक्षा के अंदर उपग्रह की कक्षा का जो झुकाव होता है, जो एंगल होता है, इंक्लिनेशन होता है, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्थिर नहीं रहता, बल्कि किसके सापेक्ष स्थिर रहता है, सूर्य के सापेक्ष स्थिर रहता है। और इस कारण से एक खास बात निकल करके आती है कि उपग्रह जो है वो समान लैटिट्यूड के ऊपर, सेम लैटिट्यूड, समान अक्षांश के ऊपर, सेम लोकल टाइम पर, समान स्थानीय समय पर पहुंचता है, ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया था इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो बाकी सारी चीजें सेम है, बस एक चीज इसमें एक्स्ट्रा निकल करके आती है, ठीक है, वो है आपकी अर्थ इमेजिंग के अंदर या कार्टोग्राफी के अंदर, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने बात करी थी आपके मिड अर्थ ऑर्बिट की, मध्य भू कक्षा की, कहां पर अवस्थित होती है, तो ये निम्न भू कक्षा और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट भूतुल्यकालिक कक्षा के बीच में अवस्थित होती है, यानी कि 2000 से लेकर के 35786 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। लेकिन मेनली इसके अंदर हम 20200 किलोमीटर की जो हाइट है उसको यूज करते हैं। इस कक्षा के अंदर जो उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं उनका रिवोल्यूशन पीरियड, परिक्रमण काल जो है वो 2 घंटे से लेकर के 24 घंटे के बीच में होता है। 2 घंटे क्यों, क्योंकि 128 मिनट तो लो अर्थ ऑर्बिट तक था और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर हमने कल बात करी थी भाई, ठीक है, कि वो 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर पूरा चक्कर लगा लेता है, तो इसके बीच में इसी का रहेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर मेनली आपके नेविगेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है, जैसे जीपीएस, ग्लोनास और आगे अपन बात करेंगे गैलीलियो और इनके बारे में, ठीक है, तो उनके सैटेलाइट इसी में लॉन्च किए गए, लेकिन कोई जरूरी नहीं भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन ने बात करी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की भूतुल्यकालिक कक्षा की, तो देखो ये कौन सी हाइट पर अवस्थित होती है, 35786 किलोमीटर की हाइट पर अवस्थित होती है। इस कक्षा की खास बात क्या होती है, तो इसके अंदर जो अर्थ का रोटेशन पीरियड होता है, यानी कि पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल है, वो उपग्रह के परिक्रमण काल रिवोल्यूशन पीरियड के बराबर होता है, यानी कि उपग्रह का रिवोल्यूशन पीरियड कितना हो गया, एक दिन 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे एग्जैक्टली नहीं होता है, एग्जैक्ट अगर अपन बात करें तो 23 hours 56 minutes and 4 seconds। उसके बाद में इसको मेनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए, संचार उपग्रहों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप नेविगेशन सैटेलाइट्स या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए उसके बाद में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भूस्थिर कक्षा की बात करते हैं, तो इसकी हाइट क्या, ये क्या है आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का ही एक स्पेशल टाइप है, यानी कि ये 35786 किलोमीटर की हाइट पर ही अवस्थित होती है। लेकिन ये स्पेशल टाइप है, मतलब यहाँ पर स्पेशल क्या है, तो भाई यहाँ पर जो उपग्रह की कक्षा है वो एक्चुअली पृथ्वी के इक्वेटोरियल प्लेन, यानी कि विषुवत रेखीय तल, भूमध्य रेखीय तल के समानांतर होती है। इससे एक खास बात निकल करके आती है, वो ये होती है कि उपग्रह जो है वो पृथ्वी पर कहीं से भी ऑब्जर्वर अगर उसको देखेगा तो उसको पृथ्वी के सापेक्ष वो हमेशा स्थिर दिखाई देगा, स्थिर प्रतीत होगा, ठीक है, स्टेशनरी लगेगा उसको। इसके अंदर मेनली आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन इसमें आप सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या फिर नेविगेशन सैटेलाइट भी लॉन्च कर सकते हो, जैसा कि हमने कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपनी औकात होनी चाहिए, वहां से करवा लो आप सुदूर संवेदन या नेविगेशन। फिर हमने बात करी जीटीओ की, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की, तो ये क्या होती है भाई, तो ये आपके ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से लगभग आपके 200 किलोमीटर जो है वो नीचे अवस्थित होती है, और शुरुआत के अंदर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं या भूतुल्यकालिक कक्षा के अंदर जिन भी सैटेलाइट्स को हमको लॉन्च करना होता है वो आरंभ में इस पे लेकर के जाते हैं हम, और उसके बाद में जो है उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर या जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो अपन जब ट्रांसफर करते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट से दूसरी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर किसी सैटेलाइट को, तो वो एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता है, और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा क्या कहलाती है आपके, ये कहलाती है हुहमन ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है, समझ गए। उसके बाद बात करते हैं ग्रेवयार्ड ऑर्बिट की, ये ग्रेवयार्ड कक्षा क्या होती है, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रगाह, ठीक है, इसको जंक या डिस्पोजल ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये कहाँ पर अवस्थित होती है, तो ये आपके
जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से लगभग 300 किलोमीटर ऊंचाई पर बाहर की तरफ अवस्थित होती है, लगभग 36,050 किलोमीटर की ऊंचाई पे। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? तो जो भी निष्क्रिय सैटेलाइट होते हैं आपके, इनएक्टिव सैटेलाइट होते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, या जिनको आप रिटायर कर देते हो, वो सारे के सारे सैटेलाइट यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ताकि अंतरिक्ष कचरे की जो समस्या है, स्पेस जंक या स्पेस डेब्रीज की जो समस्या है, उससे निजात पाई जा सके टेम्पररी बेसिस पर। चलिए, ये अपने देख लिया। उसके बाद हमने देखा भाई इंजन जो होते हैं आपके, प्रणोदक की बात करी हमने, प्रोपेलेंट की और क्रायोजेनिक स्टेज की। प्रोपेलेंट किसको बोलते हैं भाई? तो ईंधन और ऑक्सीकारक जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर है, इनको कंबाइनली कहा जाता है आपके प्रोपेलेंट। जो आपका रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस प्रिंसिपल पर काम करता है। जब फ्यूल को या ईंधन को ऑक्सीकारक की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो भारी मात्रा में गर्म और दाबित गैसें जो है वो नीचे की तरफ उत्सर्जित होती है नोजल के थ्रू, ठीक है, जिससे कि आपके रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट लगता है, रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ा चला जाता है। और फिर हमने बात करी प्रोपेलेंट जो है वो तीन प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। सॉलिड के अंदर हमने देखा कि जो फ्यूल होता है वो HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, और इसके अंदर ऑक्सीडाइजर जो होता है वो अमोनियम परक्लोरेट होता है। फिर हमने बात करी लिक्विड प्रोपेलेंट की, तो इसके अंदर हमने लोअर स्टेज को देखा था। आज ही आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है लोअर स्टेज, क्या होता है अपर स्टेज। तो लोअर स्टेज के अंदर UDMH होता है, अनसिमेट्रिक डाइमेथिल हाइड्रोजन, और ऑक्सीकारक नाइट्रोजन परऑक्साइड होता है। अपर स्टेज की बात करें तो इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो MMH, मोनोमेथिल हाइड्रोजन, और इसके अंदर जो ऑक्सीकारक यूज किया जाता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। उसके बाद हमने क्रायोजेनिक स्टेज की बात करी थी, तो इसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज किया जाता है एज ए फ्यूल एंड एज ए ऑक्सीडाइजर। ये -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, तो ये -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। फिर हमने ब्रीफ हिस्ट्री देखी थी भाई इसकी, कि 1990 के अंदर भारत और रशिया के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें तकनीक हस्तांतरण की बात हुई थी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की, लेकिन 1991 के अंदर USSR का विघटन हो गया, और जिसके चलते हुए क्या हो गया, ये समझौता जो वो रद्द हो गया, क्योंकि US जो रशिया था वो MTCR का सदस्य था लेकिन भारत MTCR का सदस्य नहीं था। लेकिन 1993 के अंदर ये बात हुई भाई रशिया हमारे को साथ क्रायोजेनिक इंजन दे देगा, हमने कहा भाई ठीक है। फिर हमने 1994 के अंदर क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत करी महेंद्रगिरी हिल्स तमिलनाडु के अंदर, और 2014 के अंदर मात्र 20 सालों के अंदर हमने जो हमारा खुद का क्रायोजेनिक इंजन जो है वो डेवलप कर लिया। और भारत का जो क्रायोजेनिक इंजन है वो कौन सा है, CE7.5, CE20 है, ठीक है, और CE25 जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, अभी टेस्टिंग के अंदर चल रहा है, ठीक है। भारत जो है विश्व का छठा देश है जिसके पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है या क्रायोजेनिक इंजन है, और इसरो द्वारा जो विकसित किया गया CE20 है और CE25 जो अंडर डेवलपमेंट है, ये सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन में से एक है, सबसे पावरफुल है। फिर आज हम बात करेंगे आपके प्रक्षेपण यानों की, लॉन्च व्हीकल्स, जिनको रॉकेट कहा जाता है, ठीक है भाई। तो शुरू करें आज की क्लास, 10-15 मिनट लगे लेकिन आपका सारा का सारा रिवीजन हो गया होगा। चलिए भाई, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आगे सारे के सारे, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रक्षेपण यान, लॉन्च व्हीकल या रॉकेट्स के बारे में। देखो भाई, रॉकेट या प्रक्षेपण यान किसको कहा जाता है? तो ये एक व्हीकल है, मैंने आपको पहले ही बोला, ये एक वाहन है जो किसके लिए यूज में लिया जाता है, जो भी आप इसके ऊपर सैटेलाइट बिठा रहे हो या जो भी आप इसके ऊपर पेलोड रखोगे, उस पेलोड को ये पृथ्वी की सतह से कहां तक लेकर के जा रहा है, पृथ्वी की किसी कक्षा में या सुदूर अंतरिक्ष के अंदर लेकर के जा रहा है, ठीक है, सिंपल सी भाषा के अंदर बात करें तो। अब ये किससे चलता है, ये हमारे नॉर्मल जो कन्वेंशनल इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन या केरोसिन या जो भाप के इंजन जिनसे भी हो, उनसे नहीं चलता है। ये किससे चलता है? रॉकेट इंजन से चलता है। रॉकेट इंजन एक अलग टेक्नोलॉजी होती है। तो इन्हीं सारी बातों को अपन मिक्स करते हैं और बात करते हैं कि लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान क्या होता है। तो लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान क्या है? ये एक रॉकेट इंजन प्रोपेल्ड व्हीकल होता है, रॉकेट इंजन प्रणोदित वाहन होता है, जिसके द्वारा किसी भी पेलोड को, पेलोड का मतलब जो भी चीज आप इसके ऊपर लाद दोगे ना, जो भी इसके ऊपर डाल दोगे, ठीक है, वो जैसे सैटेलाइट हो सकता है, कोई और डिवाइसेस हो सकते हैं, कोई स्पेस क्राफ्ट हो सकता है, और हो सकता है आप मानव को भी इसके अंदर बिठा करके भेजो, तो जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी पेलोड, तो जो पेलोड है उसको ये पृथ्वी की सतह से, अर्थ की सरफेस से, अर्थ की किसी ऑर्बिट के अंदर, लो अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट, भले ही आपकी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, वहां तक लेकर के जाएगा, या फिर ये हो सकता है अंतरिक्ष, सुदूर अंतरिक्ष के अंदर भी ले जा सके। भाई आप चंद्रमा तक, मंगल तक आप लेकर के जाते हो सैटेलाइट्स को, जो वहां पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो उन सभी को ले जाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला ये वाहन होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आगे से जब भी मैं प्रक्षेपण यान, लॉन्च व्हीकल की बात करूं, तो आप क्या समझोगे इसका मतलब क्या है? रॉकेट, ठीक है, रॉकेट अलग चीज होता है, सैटेलाइट अलग चीज होता है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना भाई। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, आज अपन वापस बात करते हैं। देखो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना। ये जो आपको नीचे की तरफ हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये इसकी फर्स्ट स्टेज होगी,
फिर ये इसकी सेकेंड स्टेज हो गई, ये थर्ड स्टेज हो गई, ये फोर्थ स्टेज हो गई, ये पूरा का पूरा जो है ये सारा का सारा जो जुगाड़ है ये क्या कहलाता है आपका, रॉकेट कहलाता है, प्रक्षेपण यान, लॉन्च व्हीकल कहलाता है, समझ गए आप, ठीक है। और इस प्रक्षेपण यान के सबसे ऊपरी हिस्से के अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर इस बंद हिस्से के अंदर आपका रखा जाता है पेलोड, जो भी सैटेलाइट होता है या कुछ भी होता है वो सारा का सारा यहाँ पे रखा जाता है। ये पीछे जितना भी है ये रॉकेट इंजन है इतना लंबा चौड़ा, ठीक है, ताकि इस इतनी भारी चीज को या ये जो भी सामान पेलोड लेकर के जा रहा है इसको अंतरिक्ष तक ले जा सके, ठीक है। तो ये रॉकेट की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इस तरीके से जितने भी दो तीन जितनी चार स्टेज होती है, पांच स्टेज होती है, वो होती है। यहाँ पर आपके सेटेलाइट या पेलोड को रखा जाता है, ठीक है। जब ये वहां पर अपनी कक्षा तक पहुंचता है तो वहां पर ये पूरे के पूरे हिस्से सारे ऊपर वाले अलग हो जाते हैं और इसके अंदर जो सैटेलाइट होता है वो उसकी कक्षा के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं ना साइड के अंदर रॉकेट से बने हुए, ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स कहलाते हैं। स्ट्रैप ऑन बूस्टर यानी कि अलग से चिपकाए हुए, स्ट्रैप ऑन किए हुए बूस्टर्स, ताकि क्योंकि होता क्या है स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा थ्रस्ट चाहिए होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एक काम करो, या तो अलग से ही वो पूरा का पूरा इंजन ही ऐसा अलग से बनाओ, उसके बजाय आप क्या कर सकते हो यहाँ पर अलग से थ्रस्टर्स कह लो या बूस्टर्स कह लो वो अटैच कर देते हो, ताकि स्टार्टिंग के अंदर आपको बूस्ट मिल जाए, उसके बाद में ये सारे के सारे जो है ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रॉकेट या प्रक्षेपण यान क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट अलग चीज होती है, रॉकेट या प्रक्षेपण यान अलग होता है, ठीक है। रॉकेट की इंजन की जो स्टेजेस हैं वो अलग होती हैं, और स्ट्रैप ऑन बूस्टर ये साइड में जो छोटे छोटे पुचकड़े लगे हुए ना ये अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, रॉकेट की इंजन की स्टेज अलग है और ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर अलग से अटैच किए होते हैं, ये अलग होते हैं। चलिए तो अब अपन आगे इसको देखना शुरू करते हैं। तो देखो जो भारत के प्रक्षेपण यान है, लॉन्च व्हीकल है या रॉकेट है, उनको अपन तीन कैटेगरी के अंदर बांट करके देखते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है आपकी हिस्टोरिक, जिनको ऐतिहासिक रूप से हम यूज में ले रहे थे लेकिन अभी हम नहीं ले रहे, वो कौन से हैं आपके, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV और ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV, ठीक है। आगे बहुत अच्छे से अपन इनको देखेंगे। फिर दूसरी कैटेगरी रहेगी आपकी ऑपरेशनल, ठीक है, जिनको हम करंटली यूज कर रहे हैं, वर्तमान में उपयोग में ले रहे हैं, वो कौन से हैं आपके, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और दूसरा होगा आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, समझ गए आप चीज को। उसके बाद में कुछ ऐसे लॉन्च व्हीकल हैं जिनको हम भविष्य के हिसाब से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो भविष्य के हैं या फ्यूचरिस्टिक हैं वो कौन से हैं आपके, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV और दूसरा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, ठीक है। चलिए तो एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, हाँ, तो एक तरीके से एक बार ये फोटो देख लो आप, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, बाकी मैं वापस आपको इसको डिस्कस करेंगे। देखो ये सबसे पहले जो हमने डेवलप किया था SLV, फिर उसका बड़ा भाई ASLV जो हमने डेवलप किया, उसके बाद हमने एक जाइंट लीप लिया, बहुत बड़ा, बहुत वो कहते हैं ना बेहतर लॉन्च व्हीकल बनाया PSLV, और उसके बाद में हमने बनाया GSLV, और GSLV के अंदर ही आपके GSLV मार्क 1 और मार्क 2 है, और उसके बाद में हमने सबसे शक्तिशाली हमारा बनाया GSLV मार्क 3, तो वो एक अलग से। चलिए एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं SLV के बारे में, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हमने सबसे पहले डेवलप किया था। तो ये फर्स्ट जनरेशन के लॉन्च व्हीकल हैं, प्रथम पीढ़ी के प्रक्षेपण यान या फिर रॉकेट हैं। इनका विकास जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो फर्स्ट टेस्ट है वो 1979 के अंदर किया गया, लेकिन वो सफल नहीं रहा था, ठीक है। और जो सेकंड इसका टेस्ट किया गया था वो किया गया था 1980 के अंदर, 1980 के अंदर, जो सक्सेसफुल रहा था। देखो एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बोलूँ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जो है वो भारत के अंदर मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग या फिर ये कह सकते हो इंडियंस एवर है, या जैसे अभी तो हालांकि आपका प्री का बैच है तो उसमें ये बात करना ज्यादा ठीक नहीं है, बट फिर भी होता क्या है कि RS के इंटरव्यू के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके रोल मॉडल कौन है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है कि भाई वो लोग क्लियरली बोल देते हैं, जैसे कि आपको आपके किसी ब्लड रिलेटिव का नाम नहीं लेना है, मम्मी पापा को साइड में रखना है, अदरवाइज क्या होता है जैसे ही कोई बोलता है रोल मॉडल कौन है, तो मेरे मम्मी मेरे पापा उनका स्ट्रगल ये वो होता है, वो तो सभी करते हैं, सभी के लिए वो आदरणीय होते हैं अपने मदर फादर, तो वो कह देते हैं भाई उनको आप हटा करके बताएं, कोई सामाजिक जीवन के अंदर, राजनीतिक जीवन के अंदर, या कोई और आपके ब्लड रिलेटिव के अलावा कोई बताएं जिनसे आप इंस्पायर हुए। तो उस वक्त क्या होता है कि आदमी के दिमाग में तुरंत वो चीज़ आती नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने तो रोल मॉडल अपने मम्मी पापा को बना रखा होता है, ठीक है, ऑफिशियली। बाकी ठीक है, मन के अंदर आप कोई हीरो हीरोइन को जिसको भी आप रखते हो, या कोई प्लेयर को रखते हो, किसी को भी रखते हो, बट वहां पर क्योंकि सिविल सर्विसेज का चल रहा है आपका, तो ऐसा होता नहीं है कि अपन किसी प्लेयर का या एक्टर या एक्ट्रेस जो है उसका नाम लें, अमूमन यही माना जाता है अच्छा कि भाई अपन कोई सोशल वर्कर या पॉलिटिकल या कोई भी इस तरीके के जो लीडर होते हैं उनमें से किसी का नाम लें जो थोड़ा सा मैच करता हो आपके जॉब प्रोफाइल से, जॉब प्रोफाइल मतलब आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं,
तो उससे तो अपने ले देकर के क्या नाम याद आते हैं दिमाग के अंदर, के भाई महात्मा गांधी या फिर वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद, युवाओं के प्रेरणा स्रोत। तो, और ये दो चार नाम हैं जिनके आजू बाजू जो है वो सारी की सारी वो कहते हैं मोस्ट ऑफ लोगों की गिरारी अटक जाती है ना। वहां पर आपको मुझे लगता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है उनको एज ए रोल मॉडल बोलना भी चाहिए और उनको वास्तव में आत्मसात भी आपको करना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर सीरियसली एक जो इंडिया का कंपोजिट कल्चर है और जो एक एस्पायरिंग इंडिया है, ठीक है, जो इंडिया एक महत्वाकांक्षी इंडिया है जो उस तरफ बढ़ने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है, टैलेंट है जिसके अंदर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक सामान्य से बहुत ही गरीब से मछुआरों के परिवार के अंदर इनका तमिलनाडु के अंदर जन्म हुआ था, उसके बाद इनका साइंस के अंदर इंटरेस्ट था, इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी मेहनत करी, पढ़ाई करी, आईआईटी से, आईआईटी मद्रास से इन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसा कुछ किया था, ठीक है। और उसके बाद में भाई आप सोच के देखो, इतने गरीब बैकग्राउंड से होने के बावजूद उस टाइम के अंदर जब आपके कॉलेजेस बहुत, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, आज वो कहते हैं बाड़े खुले पड़े हैं खूब सारे, उस टाइम इतने लिमिटेड होते थे, तो इतना ऊंचा सोचना कि इंजीनियरिंग करनी है और इस फील्ड के अंदर, एरोनॉटिकल जो फील्ड है इसके अंदर भी जाना है, और आईआईटी के अंदर वो पहुंचे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि भाई आप उस, वो जमाना ऐसा था कि जब आप फॉरेन के अंदर, अमूमन इंडिया के जितने भी साइंटिस्ट सॉरी आपके जो इंजीनियर्स हुआ करते थे वो फॉरेन की तरफ चले जाया करते थे, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ था ही नहीं उस टाइम के अंदर साइंस की फील्ड के अंदर। लेकिन वो इंडिया में ही रुके, पैसे की तरफ नहीं गए। उन्होंने क्या किया कि भाई वो सबसे पहले उन्होंने रक्षा विभाग जो है उसके अधीन एक हुअर प्रोजेक्ट था उसको बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट किया। जब उन्होंने उसको बहुत सफलतापूर्वक उसका नेतृत्व किया, अच्छे से उसको कंडक्ट किया, तो उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो भारत सरकार को समझ में आई। उन्होंने उसके बाद में जैसे ही वो प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया, उनको 79 के अंदर SLV प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया, ठीक है, कि सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है आप इसको डेवलप करो। इन्होंने इसको बहुत सक्सेसफुली डेवलप किया और उसके बाद में इनको हेड बना दिया गया IGMDP का, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और उसको उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक वो कहते ना कि कंडक्ट किया, इसीलिए इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। वो जो IGMDP के तहत पृथ्वी, अग्नि, ये सारी की सारी जो मिसाइलें हैं ये इन्हीं के लीडरशिप के अंदर डेवलप की गई। उसके बाद में ये भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया। पोखरण के अंदर जो परमाणु परीक्षण हमारे किए गए वो भी इन्हीं के नेतृत्व में किए गए। भारत के अंदर जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करने का, उसको शुरू करने का जो श्रेय है वो भी आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को जाता है। साइंस के फील्ड के अंदर युवाओं को, बच्चों को जोड़ना, एक इंटरेस्ट डेवलप करना, ठीक है, उसके लिए इन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। और फिर लेटर ऑन ये भारत के ये राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, ठीक है। तो ये अपने आप में इनकी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी रही है, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है। तो थोड़ा सा उनके बारे में अपन ने बात कर ली, चलो ठीक है। तो अपन बात करें बैक टू द पॉइंट, अपन बात करें SLV के बारे में, सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। तो ये फर्स्ट जनरेशन के लॉन्च व्हीकल थे, ठीक है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के नेतृत्व में इनका डेवलपमेंट शुरू किया गया। 79 के अंदर इसका फर्स्ट टेस्ट हमने किया जो कि अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन हार नहीं मानी। 1980 के अंदर हमने सेकंड लॉन्च किया जो कि सक्सेसफुल रहा। फिर इसकी बात करें तो इसके अंदर 4 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट का उपयोग किया जाता है, 4 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट, यानी कि इसके अंदर रॉकेट की कितनी स्टेजेस होंगी, 4 होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, और वो चारों के अंदर फ्यूल या प्रोपेलेंट जो है आपका प्राणोदक कौन सा यूज किया जाएगा, सॉलिड प्रकार का किया जाएगा। सॉलिड कौन सा, तभी याद आ रहा है, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है, तो वो वाला प्रोपेलेंट जो है वो इसके अंदर यूज किया जाएगा। फिर इसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कितनी थी, तो ये जो आपका SLV है ये 40 से 50 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक, निम्न भू कक्षा तक ले जाने में सक्षम था, ठीक है। फिर इसके तहत हमने रोहिणी सीरीज के जो सैटेलाइट थे उनको लॉन्च किया था, याद आ रहा है आपको, SLV-3 को लॉन्च किया था हमने, रोहिणी सीरीज 1 जो सैटेलाइट था वो लॉन्च किया था, याद आ रहा है कुछ ऐसा 1980 के अंदर, बस तो वही चीजें हैं सारी आपकी रिकनेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये बात करी हमने SLV के बारे में। अब ये जो आप यहाँ पर फोटो देख रहे हो ये SLV का है, यहाँ पर 4 स्टेजेस हैं भाई इसकी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, और उसके बाद में आपका सैटेलाइट जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर कहाँ गया, निम्न भू कक्षा के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। पर इस कैपेसिटी बहुत कम थी, 40 से 50 किलोग्राम मात्र। तो अब हमने क्या किया कि इसका बेहतर वर्जन जो है वो तैयार किया, और वो नेक्स्ट वर्जन जो था वो था ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड का मतलब होता है आवर्धित, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV जो था ना उसी का ही एक ऑगमेंटेड वर्जन था, एक आवर्धित संस्करण था, ठीक
ठीक है। आवर्धित कैसे था, तो हमने कुछ ही नहीं किया उस वाले के अंदर, एसएलवी के अंदर 4 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट था, हमने इसके अंदर एक स्टेज और ऐड कर दी और इसको 5 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट बना दिया, ठीक है। तो देखो ये आपके सेकंड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल था, दूसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान था। इसका विकास जो है वो 1987 में किया गया और 1987 से लेकर के 94 तक हम इसका यूज कर रहे थे। उसका डेवलपमेंट कब हुआ था भाई, 1979 के अंदर हमने किया था, 80 के अंदर सफलतापूर्वक परीक्षण किया हमने उसका एसएलवी का, वहां से लेकर के 87 तक हमने उसको यूज किया, 87 से लेकर के 94 के बीच में हमने इसको यूज किया, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या थी, तो इसके अंदर 5 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया गया था, 5 स्टेज ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया गया, ठीक है। फिर 1 स्टेज हमने इसमें बढ़ा दी और इस कारण से इसकी कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ गई और अब ये 140 से 150 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम था। फिर इसके माध्यम से हमने स्ट्रेच्ड रोहिणी सीरीज के जो सैटेलाइट हैं SROS, ठीक है, उनको प्रक्षेपित किया था। अब ये स्ट्रेच्ड रोहिणी सीरीज क्या है, तो देखो रोहिणी सीरीज के जो सैटेलाइट थे वो जब सक्सेसफुली हमने लॉन्च कर लिए, तो होता है ना कि आपका कोई ब्रांड बहुत अच्छा चल जाता है या कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल जाता है, तो आप उस प्रोडक्ट को जो है थोड़ा लंबा खींच देते हो, चलो इस सीरीज के अंदर और लॉन्च कर दिए जाए। जैसे अब ये देखो भाई स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर हीरो का या हीरो होंडा का आप कह लो कि बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोडक्ट रहा है, तो इन्होंने क्या किया भाई, पहले स्प्लेंडर, उसके बाद स्प्लेंडर प्लस, उसके बाद स्प्लेंडर प्रो, उसके बाद में सुपर स्प्लेंडर, उसके बाद आई स्मार्ट स्प्लेंडर, उसके बाद फलाना स्प्लेंडर, ढिमका वो कहता ना स्प्लेंडर, ये सारी की सारी चल रही है स्प्लेंडर की सीरीज। लेकिन आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि स्प्लेंडर जो है ना, ढंकी जो स्प्लेंडर है वो स्प्लेंडर प्लस ही थी, ठीक है, बाकी सारी की सारी जो है वो बस उसका नाम खा रही है। जैसे इस बार अभी टाटा ने नई सफारी लॉन्च करी है, ठीक है, ये सफारी आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि पहले वाली जो सफारी थी या जो एक उसका माचो लुक था, उससे थोड़ी सी लोग सेटिस्फाई नहीं है कि यार ये सफारी नहीं है, पर फिर भी इसका नाम जो है एन मौके पे सफारी रख करके इसको लॉन्च किया गया। पहले इसका दूसरा नाम रखा जा रहा था, ठीक है, तो सफारी रख के क्यों लॉन्च किया, ताकि वो जो एक सीरीज है आप उसका जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू करवा सको, उसका जो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा खा सको, उसका पैसा खा सको, ठीक है, आगे और ले सको बेनिफिट उसका। तो यहाँ पर भी हमारी रोहिणी सीरीज के जो सैटेलाइट थे बहुत सक्सेसफुल रहे थे, हमने उस सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। तो जो ASLV के माध्यम से लॉन्च किए थे हमने सैटेलाइट वो कौन से थे, SROS सैटेलाइट्स थे, स्ट्रेच्ड रोहिणी सीरीज सैटेलाइट्स, ठीक है। चलिए तो ये ASLV के बारे में बात हो गई, ये आपका ASLV था भाई, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान करना। यहाँ पर आपको एक फर्क दिखाई देगा, देखो 4 स्टेजेस तो यहाँ पर भी है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज जो है वो ये है भाई आपकी, यानी कि फिफ्थ स्टेज का मतलब ये है कि पहली स्टेज तो ये हो गई, दूसरी आपकी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई और पांचवी ये हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे कि साहब आपने तो सर थोड़ी देर पहले बताया था ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर होते हैं, तो वो स्ट्रैप ऑन बूस्टर बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो साइड में इतने इतने से होते हैं, जब आप इतना बड़ा कोई देखोगे ना तो वो एक्चुअली क्या है, पूरा पूरा रॉकेट इंजन की अलग से स्टेज है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। आगे अपन GSLV मार्क 3 के अंदर भी ये बात करेंगे और यहाँ पर ASLV में भी ये था। तो जो आपका SLV था उसी के अंदर हमने एक एक्स्ट्रा स्टेज और जोड़ दी, यहाँ साइड के अंदर आप देख रहे हो जितनी फर्स्ट स्टेज है वैसी की वैसी आपकी हमने बराबर में और लगा दी थी। तो फर्स्ट स्टेज ये हो गई, फिर आपकी सेकंड हो गई, फिर आपकी थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और फिफ्थ। इस तरीके से आपके 5 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट ASLV के अंदर यूज किया गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं PSLV के बारे में, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये थर्ड जनरेशन के लॉन्च व्हीकल थे, तीसरी पीढ़ी के प्रक्षेपण यान थे, इनका डेवलपमेंट 1994 के अंदर किया गया और उसके बाद में आज तक हम इसको यूज कर रहे हैं PSLV को, ठीक है। आप लोग मैगजीन के अंदर, न्यूज के अंदर नाम सुनते ही रहते होंगे PSLV का। ये इसरो का सबसे मेन लॉन्च व्हीकल है, सबसे मुख्य प्रक्षेपण यान है, मुख्य कैसे कि भाई इसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में इसमें 4 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट जो है, सॉरी आपके 4 स्टेज प्रोपेलेंट का उपयोग किया गया है, 4 स्टेज प्रणोदक। अब ये 4 स्टेज सारी की सारी ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, इसमें क्या है आपका सॉलिड लिक्विड, ये स्टेजेस हैं इसकी, ठीक है। इसके अंदर 4 स्टेज प्रणोदक का प्रयोग किया गया है, पहली स्टेज जो है वो सॉलिड है, दूसरी स्टेज जो है वो लिक्विड है, फिर तीसरी स्टेज वापस से सॉलिड है और चौथी स्टेज जो है वो लिक्विड है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके अंदर 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का उपयोग भी किया जाता है। अब यहाँ पे स्ट्रैप ऑन बूस्टर आए हैं, वो जो छोटे छोटे से टुचकड़े साइड में लगे हुए होते हैं वो वाले, तो इसमें 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि भी एक्स्ट्रा थ्रस्ट जो है इसको प्राप्त हो सके और इन स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स के अंदर आपके सॉलिड प्रोपेलेंट जो है, ठोस प्रणोदक जो है उसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करें इसके अंदर कौन से इंजन यूज किए गए हैं, तो इसके अंदर S139 इंजन और विकास इंजन का उपयोग किया गया है। S139 इंजन कौन सा हो गया, जो सॉलिड प्रोपेलेंट वाला इंजन है, ठीक है, सॉलिड प्रोपेलेंट वाला इंजन, उसका इंजन का नाम क्या है, S139, S for solid, 139 मतलब 139
139 टन का जो है इसके अंदर फ्यूल या प्रोपेलेंट जो है वो यूज किया जाएगा। विकास इंजन, आपके विकास सर आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है, तो विकास सर के उसी संदर्भ में विकास इंजन जो है उसका भी इसमें उपयोग किया गया है। जो लिक्विड इंजन है इसरो द्वारा जो यूज किया जा रहा है वर्तमान समय के अंदर वो विकास इंजन ही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अपन बात करें थोड़ी वो कहते हैं ना ये पीएसएलवी के बारे में, इसकी कैपेसिटी के बारे में, उससे पहले अपन थोड़ा सा इसका डायग्राम समझते हैं। देखो पीएसएलवी की अपन ने बात करी भाई, इसके अंदर क्या होते हैं 4 स्टेजेस होती हैं रॉकेट की। तो देखो ये आपकी फर्स्ट स्टेज होगी, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज होगी, उसके बाद सेकंड स्टेज होगी, फिर आपकी थर्ड स्टेज होगी, फिर आपकी ये फोर्थ स्टेज होगी। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये अगेन लिक्विड है, ठीक है, और इसके अंदर 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो होते हैं छोटे छोटे से टुचकड़े, ठीक है, ये यूज किए जाते हैं, और इनके अंदर आपके क्या है सॉलिड प्रोपेलेंट ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। ये आप फोटो देख रहे हो, इसके अंदर आपका फर्स्ट स्टेज ये वाली होगी, साइड में ये इसके स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स छोटे छोटे से लगे हुए, ये आपकी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, और यहाँ पे आपका होता है सैटेलाइट, ठीक है। ये आपकी सॉलिड होती है, ये आपकी लिक्विड होती है, ये सॉलिड होती है और ये लिक्विड होती है। अब आपको यहां पर ध्यान आएगा, देखो कि जो सॉलिड दोनों है ना, इन दोनों के अंदर तो सेम ही फ्यूल यूज होता है, लेकिन यहां पर जो लिक्विड स्टेज है ये वाली और ये वाली, इनके अंदर अलग अलग फ्यूल यूज होता है। याद करो लिक्विड प्रोपेलेंट जो द्रव प्रणोदक की अपन बात कर रहे थे उस वक्त अपन ने बात करी थी भाई लोअर स्टेज और अपर स्टेज, ठीक है, तो वो यही है। लोअर स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, और अपर स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट स्टेज सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, और ये जो लिक्विड है इसमें भी ये लोअर स्टेज हो गई और ये अपर स्टेज हो गई, ठीक है। अब आपको वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये हमने पीएसएलवी के बारे में कुछ बेसिक बातें करी। अब पीएसएलवी की कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं कि क्या क्षमता रही होगी इसकी। तो देखो क्षमता इसकी जो है 3 अलग अलग वेरिएंट, 3 अलग अलग संस्करण इसके जो है वो तैयार किए गए हैं पीएसएलवी के, और उसके अकॉर्डिंगली इसकी क्षमता अलग अलग है, ठीक है। तो पीएसएलवी के जो 3 संस्करण तैयार किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है कोर अलोन, दूसरा है आपका ग्राउंड या स्टैंडर्ड, और तीसरा जो है वो है एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। ये 3 वर्जन तैयार किए गए हैं, 3 संस्करण पीएसएलवी के। तो कोर अलोन जो है इसको समझते हैं, कोर अलोन नाम अपने आप में बता रहा है। अभी देखो कोर अलोन, कोर का मतलब होता है मुख्य भाग या मुख्य हिस्सा, और अलोन का मतलब अकेला, ठीक है। तो यानी कि ये वो पीएसएलवी है जिसके अंदर केवल और केवल पीएसएलवी का मेन जो हिस्सा है ना, मुख्य जो हिस्सा है, कोर है, वो ही है, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा जो भी सामग्री इसके अंदर है वो नहीं लगी हुई होगी। यानी कि इसके अंदर क्या होंगे, 4 स्टेज प्रोपेलेंट तो यूज होगा, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, लेकिन इसके अंदर कोई भी स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो है अलग से जो टुचकड़े लगाए जाते हैं वो यूज नहीं होंगे, समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 1100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है। अब आप फर्क देखना भाई, जो आपका एसएलवी था वो मात्र 40 से 50 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता था। फिर आपका आया एएसएलवी, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो 140 से 150 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लॉन्च ये लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता था। यहाँ पे देखो आप पीएसएलवी को कितनी ज्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है कि अब ये 1100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है। समझ गए भी आप इस चीज को। तो ये पीएसएलवी का कोर अलोन है। उसके बाद दूसरा है पीएसएलवी का ग्राउंड या स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक बेसिक चीज, ठीक है, जो कहते हैं सामान्य रूप से यूज में ली जाती है, ठीक है। तो ग्राउंड या स्टैंडर्ड जो है इसके पीएसएलवी के अंदर क्या होता है, 4 स्टेज प्रोपेलेंट होते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, और इसके अंदर 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगाए जा सकते हैं, तुम्हारी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे लगा दो, 2 लगाना चाहो 2 लगा दो, 4 लगाना चाहो 4 लगा दो, 6 लगाना चाहो 6 लगा दो, ठीक है। तो इसके अंदर 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का उपयोग किया जा सकता है, और जिनके अंदर 9 टन का सॉलिड प्रोपेलेंट जो है या ठोस प्रणोदक ईंधन भरा हुआ होगा या प्रोपेलेंट भरा हुआ होगा, ठीक है। फिर इसकी क्षमता की बात करें तो ये 1680 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम होता है। समझ में आ गया आपको चीज कि 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स इसके अंदर यूज किए जा सकते हैं, जिनके अंदर जो प्रोपेलेंट यूज किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, मात्र 9 टन का किया जाएगा। और अपन थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि इसके अंदर जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स में यूज किया जाता है प्रोपेलेंट वो ठोस प्रणोदक होता है, लिक्विड नहीं होता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीएसएलवी एक्सएल या एक्स्ट्रा लार्ज की। तो आपको पता ही भाई एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज, ठीक है, तो उस हिसाब से भाई एक्सेल साइज होता है, ठीक है, और बाकी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको पता ही होगा भाई, एक लार्ज पैग ऐसे भी गाने आते हैं कई, बहुत सारी चीजें होती है। चलो तो इसके अंदर क्या है भाई एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज में क्या होगा, बेसिक चीजें तो होगी आपकी, 4 स्टेज प्रोपेलेंट का तो उपयोग किया ही जाएगा,
चार स्टेज के प्रणोदक तो होंगे, साथ ही साथ में इसमें 6 स्ट्रैपऑन बूस्टर्स का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे कर लो, लेकिन इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, एक्स्ट्रा लार्ज कैपेसिटी होगी कि यहाँ पे तो सिर्फ नॉर्टन का फ्यूल इसमें यूज किया जा रहा था या प्रोपेलेंट यूज किया जा रहा था, इन स्ट्रैपऑन बूस्टर के अंदर आप 12 टन तक का जो प्रोपेलेंट है, प्रणोदक है, उसको यूज कर सकते हो, समझ में आ गया, ठीक है। और इस कारण से इसकी कैपेसिटी या क्षमता भी बढ़ जाती है, और इसकी क्षमता हो जाती है ये 1800 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम होता है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखो पीएसएलवी जो है वो आपके इसके तीन संस्करण, तीन वर्जन तैयार किए गए हैं, पहला है कोर अलोन, दूसरा है आपका ग्राउंड या स्टैंडर्ड, तीसरा है एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज। इन तीनों के अंदर ये चीज तो सेम ही है भाई, क्यों, क्योंकि ये पीएसएलवी का मुख्य हिस्सा है, तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 4 स्टेज प्रोपेलेंट इनमें यूज किए जाते हैं, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। फिर कोर अलोन के अंदर कोई स्टेप ऑन बूस्टर यूज नहीं होता है, जबकि ग्राउंड या स्टैंडर्ड के अंदर आपके 6 स्टेप ऑन बूस्टर्स यूज किए जा सकते हैं, जिनके अंदर केवल 9 टन का सॉलिड प्रोपेलेंट जो है वो यूज किया जाएगा, ठोस प्रणोदक यूज किया जाएगा। वहीं पे एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर क्या होता है कि 6 स्टेप ऑन बूस्टर्स आप यूज कर सकते हो, और उनके अंदर बहुत ज्यादा यानी कि 12 टन तक का जो ठोस प्रणोदक है वो उपयोग में लिया जा सकता है। फिर इनकी क्षमता की बात करें, कैपेसिटी की, तो ये 1100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को, ये 1680 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को, और ये 1800 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक, निम्न भूकक्षा तक ले जाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पीएसएलवी के बारे में आपकी बातचीत पूरी हुई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीएसएलवी के बारे में, ठीक है। जीएसएलवी क्या है, तो ये है आपका जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जीएसएलवी, बहुत ज्यादा आप इसका नाम सुनते होंगे। इसके बारे में बात करते हैं, तो देखो ये इसरो का फोर्थ जनरेशन या हमारा फोर्थ जनरेशन प्रक्षेपण यान है, चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, ठीक है। इसका विकास किया गया था 2001 के अंदर, और उसके बाद से हम इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं। ये इसरो का मोस्ट पावरफुल, सर्वाधिक शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है, ठीक है ना। देखो पीएसएलवी के अंदर हमने क्या बात करी थी कि ये इसरो का सबसे मुख्य प्रक्षेपण यान है, और इसके अंदर हम क्या बात करें कि ये इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। तो दोनों में क्या फर्क होता है, देखो जैसे आपको पता हो, तो किसी के घर के अंदर मान लो थोड़े अमीर हैं वो, और उनके घर के अंदर मान लो 2 गाड़ियां हैं, तो एक गाड़ी होगी मान लो फॉर्च्यूनर, और एक गाड़ी होती है स्विफ्ट, ठीक है। आपने देखा होगा कि ऐसे घरों के अंदर स्विफ्ट जो होती है ना, उसको बढ़िया तरीके से रगड़ा जाता है कि तुम उसके अंदर खाखलार, रजगार, चारार, जो मर्जी पड़े वो चीजें उसके अंदर डाल डाल करके लाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं 8-8, 9-9 टाबर उसके अंदर भर भर करके जाएंगे, इधर उधर कहीं जाना है, कुछ भी करना है, उस गाड़ी को बिल्कुल मतलब यूं यूज किया जाता है कि फ्रीक्वेंटली जहाँ ये करना है यहाँ ले दो इसको, क्यों, क्योंकि माइलेज ज्यादा है, छोटी गाड़ी है, कहीं घुस जाएगी, ठीक है, कोई खर्चा वर्चा ज्यादा मांगती नहीं है, वो सब चीजें, ठीक है। तो वो क्या है, वो घर की सबसे मुख्य गाड़ी है कि जिसको सबसे ज्यादा यूज में लिया जा रहा है। लेकिन फॉर्च्यूनर जो है वो क्या है, घर की सबसे पावरफुल गाड़ी है कि जब आपको कुछ बड़ी फंक्शन के अंदर जाना है, या कोई ऑफ रोडिंग करने जाना है जहां आपको ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा लोगों को लेकर के जाना है, या ज्यादा सामान को लेकर के जाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, फॉर्च्यूनर निकालते हो। वरना आपने क्या है, स्विफ्टली, अपने बोलते भी स्विफ्ट नहीं बोलते उसको, स्विफ्ट, स्विफ्टली बस निकल पड़ो, कहीं चले जाओ, उससे बढ़िया माइलेज किसी का है नहीं, ठीक है, जो मर्जी पड़े उसके अंदर कचरा ठूसना ठूसो, और कहते लोगों को ठूसना ठूसो और ले चलो कहीं पे भी। तो वो क्या है, सबसे मुख्य यान है पीएसएलवी, जिसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, ठीक है। वहीं पर ये क्या है, सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है, कि मोस्ट पावरफुल है, आगे अपन देखेंगे इसको कैसे पावरफुल है, क्या कैपेसिटी इसकी। फिर देखो भाई, इसके अंदर 3 स्टेज प्रणोदक, 3 स्टेज प्रोपेलेंट जो है उसका उपयोग किया जाता है, वो कौन सी है आपके, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, ठीक है। तो इसके अंदर 3 स्टेज प्रोपेलेंट प्रणोदक का उपयोग किया जाता है, सॉलिड, फिर लिक्विड, और उसके बाद में क्रायोजेनिक स्टेज आती है। फिर इसके अंदर 4 स्टेप ऑन बूस्टर्स का उपयोग किया जा सकता है, पीएसएलवी में 6 थे भाई, इसके अंदर 4 का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि 4 जो छोटे छोटे चकड़े होते हैं वो एक्स्ट्रा आप एड ऑन कर सकते हो या इसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। तो 4 स्टेप ऑन बूस्टर्स का उपयोग किया जा सकता है इसके अंदर, जिनके अंदर लिक्विड प्रोपेलेंट भरा जाता है, यानी कि द्रव प्रणोदक का उपयोग किया जाता है इन स्टेप ऑन बूस्टर्स में। वहीं पे पीएसएलवी के अंदर जो स्टेप ऑन बूस्टर थे उनके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। फिर इसके अंदर इंजन कौन से यूज किए जाते हैं, तो देखो भाई इसके अंदर पीएसएलवी में तो 2 ही प्रकार के प्रणोदक यूज हो रहे थे, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। तो उनके लिए 2 ही प्रकार के आपको इंजन चाहिए, यहाँ पे 3 अलग अलग हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक स्टेज, तो यहाँ पर 3 प्रकार के इंजन का उपयोग किया जाएगा। जो सॉलिड इंजन यूज किया जाता है सॉलिड प्रोपेलेंट के लिए, वो है आपका S200 इंजन, ठीक है। तो देखो वहां पर S139 था,
सॉलिड 139, यहाँ पर क्या है सॉलिड 200, यानी कि ये ऐसा इंजन है जो सॉलिड प्रोपेलेंट के लिए यूज में लिया जाएगा, जिसमें 200 टन तक का प्रोपेलेंट यूज होगा, यानी कि ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, लिक्विड इंजन वही है, विकास इंजन है इसके अंदर। और जो क्रायोजेनिक इंजन होंगे वो अपन पहले ही बात कर चुके हैं भाई, इसरो द्वारा CE 7.5 और CE 20 जो क्रायोजेनिक इंजन है उनका विकास किया गया है। तो उनमें से जो भी होगा, जैसी आपकी जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप क्रायोजेनिक इंजन इसके अंदर लगा सकते हो। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन जिसमें 7.5 जो टन प्रोपेलेंट यूज हो, फिर क्रायोजेनिक इंजन जिसके अंदर 20 टन का प्रोपेलेंट आपका यूज हो। ठीक है, समझ गए भी इस चीज को। तो ये GSLV के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। अब GSLV की कैपेसिटी के बारे में बात करें कि इसकी क्षमता क्या है, तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, पहले एक बार इसका डायग्राम समझ लेते हैं। देखो मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि GSLV में और ASLV के अंदर थोड़ी सी स्पेशल चीज है, तो कंफ्यूज मत होना। ये अपना GSLV है भाई, देखो, जिसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ये फर्स्ट स्टेज है, जो साइड वाले ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, ये रॉकेट की फर्स्ट स्टेज है GSLV की। फिर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये बीच वाली, ये इसकी सेकेंड स्टेज है लिक्विड वाली, ये सॉलिड स्टेज है, ये लिक्विड स्टेज है, और ये इसकी तीसरी क्रायोजेनिक स्टेज है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो आपका पेलोड वेलोड आप लगाते हो वो है, और यहाँ पे साइड के अंदर आप छोटे छोटे ये जो देख रहे हो ये आप स्टेप ऑन बूस्टर्स पे फर्स्ट स्टेज के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये GSLV जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो शुरुआत के अंदर जो फर्स्ट स्टेज के इंजन है वो काम करता है, और ये फर्स्ट स्टेज का इंजन सॉलिड प्रोपेलेंट जिसके अंदर यूज होता है, ये साइड वाले आप दोनों देख रहे हो ये काम कर रहे हैं, बीच वाला जो लिक्विड वाला है ये अभी काम नहीं कर रहा है। होगा क्या कि जब फर्स्ट स्टेज सेपरेट हो जाएगी, इसका काम खत्म हो जाएगा, तो ये अलग हो जाएगी पूरी की पूरी स्टेज, और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा बचेगा, और ये इंजन स्टार्ट हो जाएगा काम करना, और फिर ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ेगा। फिर बाद में आपका ये जो लिक्विड प्रोपेलेंट है ये जब खत्म हो जाएगा तो ये सेकंड स्टेज भी सेपरेट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा बचेगा जिसमें ये क्रायोजेनिक स्टेज है आपकी, ये इसको अंतरिक्ष में बहुत दूरी तक ले जा सकता है या बहुत ज्यादा भार को ले जा सकेगा। ठीक है, और जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहां तक इसको, सेटेलाइट को या पेलोड को ले जाएगा। ये समझ गए भाई इस चीज को। चलिए अब GSLV के जो विभिन्न संस्करण है, वेरियंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनकी क्षमता के बारे में बात करते हैं। तो GSLV जो है इसके भी तीन संस्करण, तीन वर्जन तैयार किए गए हैं, या GSLV भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो GSLV Mark 1, GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3। ठीक है, तो GSLV के तीन संस्करण तैयार किए गए हैं, GSLV Mark 1, Mark 2, Mark 3। ठीक है, GSLV Mark 1 में हमने रशियन KVD इंजन जो था उसका उपयोग किया था। देखो बात यह है कि हमने GSLV का डेवलपमेंट कब कर लिया था, 2001 के अंदर कर लिया था। ठीक है, अब GSLV के अंदर क्रायोजेनिक स्टेज जो है उसका उपयोग किया जाता है। अब क्रायोजेनिक इंजन तो हमने तब तक डेवलप किया ही नहीं था, तो हम क्या करें? तो याद करो रशिया के साथ में हमारी डील हुई थी कि भाई तू हमारे को रशिया ने कहा था भाई हम तुम्हारे को टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको 7 क्रायोजेनिक इंजन जो है वो दे देंगे। तो वो जो रशियन KVD इंजन हमारे को, क्रायोजेनिक इंजन जो हमको वहां से प्राप्त हुए थे, उन्हीं को इसके अंदर हमने यूज किया था। ठीक है, तो GSLV Mark 1 जो है उसमें रशियन KVD इंजन को उपयोग में लिया गया। इसकी क्षमता कितनी थी? तो ये 1.5 टन तक के सैटेलाइट को कहां तक ले जा सकता था? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक, GTO याद आ रहा आपको, 35,786 किलोमीटर से 200 किलोमीटर नीचे, वहां तक ले जाने में सक्षम था। समझ में आ गया? देखो 1.5 टन तक के सैटेलाइट को, यानी कि 1500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को 35,786 किलोमीटर तक ले जाने में ये सक्षम था। क्रायोजेनिक जो आपका इंजन होता है उसके कारण आप देख रहे हो कैपेसिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। फिर GSLV Mark 2 की बात करें तो इसके अंदर आपके क्रायोजेनिक इंजन 7.5 जो हमने खुद ने डेवलप किया है उसका उपयोग किया गया। भाई देखो सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक स्टेज वाली बातें हो रही है यहाँ पर, तो सॉलिड और लिक्विड तो इन तीनों के अंदर सेम हो, तीनों के अंदर सेम होंगे। जो फर्क आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन वाली जो स्टेज है वहां पर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें CE 7.5 इंजन का उपयोग किया गया, जिससे इसकी क्षमता जो है वो कितनी हो गई कि अगर लो हम GTO तक की बात करें, हम जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक की, तो ये 2.5 टन तक के सैटेलाइट को वहां तक ले जा सकता है, 2.5 टन तक के सैटेलाइट को। ठीक है, और अगर आप बात करो लो अर्थ ऑर्बिट की, तो ये 5 टन तक के सैटेलाइट को, 4.5 से 5 टन तक के सैटेलाइट को निम्न भूकक्षा तक ले जाने में सक्षम है, क्योंकि निम्न भूकक्षा नीचे है अभी। ठीक है, और जो आपकी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, GTO है जो है, वो बहुत ज्यादा ऊपर है, तो इस कारण से। फिर GSLV Mark 3 की बात करें तो इसके अंदर हमने CE 20 इंजन जो है उसका उपयोग किया है, और CE 25 इंजन का हम आगे और यूज करेंगे इसके अंदर। ये 4 टन
तक के सैटेलाइट को, 4 से 5 टन तक के सैटेलाइट को ये जीटीओ तक ले जाने में सक्षम है, ठीक है, 4 से 5 टन तक के सैटेलाइट को, और 10 टन के सैटेलाइट को ये लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है, निम्न भूकक्षा तक। तो देख रहे हो आप कितनी जबरदस्त कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है जीएसएलवी की, क्रायोजेनिक स्टेज के कारण, ठीक है। तो ये आपका जीएसएलवी था, जीएसएलवी के 3 वेरियंट थे, जीएसएलवी Mk 1, Mk 2, Mk 3। इनकी इसके अंदर केवीडी इंजन यूज किया गया, रशियन केवीडी इंजन, इसके अंदर CE 7.5, इसमें CE 20 इंजन का उपयोग किया गया। इसकी क्षमता 1.5 टन तक के सैटेलाइट को जीटीओ तक क्यों, जी इसकी क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका जीएसएलवी है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो इसीलिए हम जीटीओ की मुख्यतः यहाँ पर बात करेंगे। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद करो पोलर ऑर्बिट ध्रुवीय कक्षा थी, ध्रुवीय कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट का ही एक स्पेशल टाइप हुआ करता था। इसीलिए जब हमने पीएसएलवी की बात करी थी तो वहां पर हमने मेनली क्षमता किसकी देखी थी, तो वो देखी थी लो अर्थ ऑर्बिट तक की देखी थी, ठीक है। अब जीएसएलवी जो है इसको हम लो अर्थ ऑर्बिट तक की बात करेंगे और जीटीओ तक की भी बात करेंगे। तो जीटीओ में ये 2.5 टन तक का ले जा सकता है, ये 4 टन तक का ले जा सकता है, और लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो ये 5 टन तक का ले जा सकता है, ये 10 टन तक का ले जा सकता है। समझ में आया? अब आप में से, वैसे तो मेरे को नहीं लगता है कि अपन तक पढ़ते जा रहे हैं ना तो अभी आपके दिमाग में वो चीज आएगी, लेकिन कभी ना कभी जब आप आगे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि सर आपने बात करी कि भाई ये जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ये सॉरी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी जो है ये जीटीओ तक या जियोसिंक्रोनस भूतुल्यकालिक कक्षा या भू स्थिर कक्षा तक सैटेलाइट ले जाने का काम ये करता है। लेकिन जब तक हमारे पास ये नहीं था तो हम क्या करते थे, हम हमारे जो संचार उपग्रह हैं या जो जो भी उपग्रह हमारे को भू स्थिर कक्षा के अंदर लॉन्च करने होते थे या भूतुल्यकालिक कक्षा में लॉन्च करने होते थे, तो वो कैसे करते थे, पहली बात। और दूसरी बात सर, हमने तो, आप अभी बोल रहे थे कि पीएसएलवी जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर ऑर्बिट, ये लो अर्थ ऑर्बिट का एक प्रकार होता है, और हमने पीएसएलवी की जो कैपेसिटी देखी, क्षमता देखी, तो क्षमता भी हमने लो अर्थ ऑर्बिट के हिसाब से ही देखी है सारी की सारी। लेकिन सर हमने तो पढ़ा है, आप में से बहुतों ने ये छोटा मोटा इधर उधर पढ़ा भी होगा कि जो हमारा मंगलयान था वो पीएसएलवी के थ्रू गया था, ठीक है, और भी हमारे जो चंद्रयान था वो भी हमने पीएसएलवी के थ्रू ही लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये क्या हिसाब किताब है, पीएसएलवी जो है वो तो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, किया जाना चाहिए, उसी के लिए उसको बनाया गया है, डेवलप उसी के लिए किया गया है, तो ये कैसे। तो देखो बात ये है कि इंडिया जो है वो काम करता है जुगाड़ के ऊपर, कि भाई अपने पास में उस टाइम में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि क्रायोजेनिक स्टेज अपने पास में डेवलप नहीं की हुई थी, तो जीएसएलवी और हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन जो है वो लिमिटेड हमारे को वहां से मिले थे, और अब हमारे को हमारे टेस्ट जो है इंटर प्लानिटरी मिशन जो है वो तो करने हैं, तो क्या करें। तो पीएसएलवी को ही अपने जुगाड़ तुगाड़ लगा करके क्या कर दिया, अपने वहां तक भेज दिया, ठीक है। होता क्या है भाई, पीएसएलवी की जो कैपेसिटी है वो हमने देखा भाई कि 1800 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है। तो आप 1800 के बजाय अगर आप उसमें 200 किलोग्राम तक का सैटेलाइट भेजोगे तो वो उसको और ज्यादा दूरी तक ले जा सकेगा, ठीक है, ऊंचाई तक ले जा सकेगा, और हमने वही किया, ठीक है, कि उस पर भार कम दिया ताकि पेलोड हमने कम रखा, ताकि क्या है वो लंबी दूरी तक हमारे पेलोड को या सैटेलाइट को ले जा सके। भाई स्प्लेंडर हो आपके पास, आपने देखे होंगे आपके आसपास ऐसे बहुत सारे तूफानी लोग होंगे, या आप भी उनमें से एक रहे होंगे, मैं तो रहा हूँ, ठीक है, कि भाई हमारे पास बाइक होती है, स्प्लेंडर होती है नॉर्मल घरों के अंदर, तो स्प्लेंडर बाइक जो होती है भाई उसके ऊपर बोला कितना जाता है कि भाई इसके ऊपर 2 लोग बैठेंगे, ठीक है, 2 जनों के हिसाब से है। पर आपने देखा होगा गाँव के अंदर पूरे पूरे परिवार जो है वो आपके स्प्लेंडर के ऊपर यहाँ से वहां जाते हैं। होता है भाई 2 बच्चे आगे टंगा दिए, वो कहते ना 2 बच्चे माँ जो है वो गोद में लेकर के बैठ जाती है, 1-2 बच्चे बीच में बैठ जाते हैं, मतलब 5-6 जने जो है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखे होंगे, कई बार ऐसे दृश्य आपको देखने को मिले होंगे कि बैठे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, और जा रहे होते हैं। तो किसी ने मना किया क्या कि स्प्लेंडर के ऊपर, बोला है स्प्लेंडर वालों ने कि भाई 2 जने इसके ऊपर बैठेंगे, पर बिठाते हैं ना 5-5 बिठाते हैं, बुलेट और स्प्लेंडर जो है जिसके ऊपर भाई लड़के गेड़ियां मारा करते हैं, ठीक है, या इस वो कॉलेज टाइम के अंदर, स्कूल टाइम के अंदर भाई थोड़ा घुमा वुमा करते हो, तो भाई बनी हुई तो वो 2 लोगों के लिए, पर आपने कई बार देखा होगा मूवी देखने जा रहे हैं, बाइक एक है, बंदे 4 हैं, तो क्या करें, पैदल तो आने से रहे, तो चारों के चारों उसी बाइक के ऊपर टंग जाते हैं, ठीक है, तो वो बाइक लेके जाती है, ढोती है उनको बेचारों को। अपने यहाँ पर जो जयपुर के अंदर लो फ्लोर है, तो लो फ्लोर की कैपेसिटी जो है वो बस की लिमिटेड होती है भाई, आपको ही पता है कि भाई यहाँ पर लिमिटेड से कितनी ही ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो उसके अंदर लादी जाती है, लोग इतने ज़्यादा कम्यूट करते हैं लो फ्लोर बसों के थ्रू। आप स्प्लेंडर को लेकर के भी कई महानात्में होती जो लद्दाख तक के ट्रिप मार लेती है, ठीक है, अब स्प्लेंडर जो है वो इसके लिए थोड़ी बनी हुई कि तुम लद्दाख के ट्रिप मारो,
ठीक है, पर करते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर है कि भाई पीएसएलवी जो है हमने उसका जुगाड़ तुगाड़ लगा करके हमने कहा भाई तू हिम्मत रख, उसको फुल मोटिवेट किया, ठीक है, दिलीप सर, राजेश सर, दिग्विजय सर की, विजय सर की क्लासें लगाई उनकी और उसको फुल मोटिवेट किया और उसको भेज दिया हमने चांद तक और मंगल तक, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पीएसएलवी जीएसएलवी तक की बात पूरी हुई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्यूचरिस्टिक जो हमारे लॉन्च व्हीकल हैं, भविष्य के जो प्रक्षेपण यान है उनके बारे में। तो उस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है आपका आरएलवी का, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, उसके बारे में बात करते हैं। तो नाम अपने आप में बता रहा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, एक ऐसा लॉन्च व्हीकल, एक ऐसा प्रक्षेपण यान जिसको रीयूज किया जा सके, पुनर्उपयोग में लिया जा सके। देखो चक्कर क्या है कि पारंपरिक रूप से जो हम यूज करते आ रहे हैं प्रक्षेपण यान, जीएसएलवी, पीएसएलवी, ठीक है भाई, पहले वाले एसएलवी, एएसएलवी तो बीते दिनों की बात हो गई, ठीक है, अब वो रेस्ट इन पीस है। अभी हम कौन से यूज करें, पीएसएलवी और जीएसएलवी। तो ये जो पीएसएलवी और जीएसएलवी है ना, इनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, या ये ऐसे लॉन्च व्हीकल हैं कि जो एक बार यूज में आते हैं, इनको आप बार बार यूज में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई, आपका रॉकेट गया ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, फर्स्ट स्टेज सेपरेट हुई वो खत्म, सेकेंड स्टेज सेपरेट हुई वो खत्म, थर्ड स्टेज सेपरेट हुई वो खत्म, फोर्थ स्टेज सेपरेट हुई वो खत्म, लास्ट में आपका छोटा मोटा सा हिस्सा बचता है वो खुल जाता है, सेटेलाइट वहां पे चला जाता है, वापस आपके पास में कुछ नहीं आता, ठन ठन गोपाल, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब आपको नेक्स्ट जो भी लॉन्च करना पड़ेगा, आपको अलग से नया पीएसएलवी डेवलप करना पड़ेगा पूरा का पूरा। इसीलिए आप देखते हो कि आप ये सीरीज देखते हो, पीएसएलवी C25, पीएसएलवी C40, पीएसएलवी C47, पीएसएलवी 50, पीएसएलवी 51। तो ये क्या है, एक बार जो चला गया वो रेस्ट इन पीस हो गया, वो वापस आपके पास में नहीं आएगा पीएसएलवी या जीएसएलवी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी स्टेजेस सेपरेट होती गई, वो खत्म हो गए और बस वो सेटेलाइट वहां तक पहुंच गया, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे दिक्कत ये आती है कि एक तो आपके प्रक्षेपण की जो लागत होती है, लॉन्चिंग की जो कॉस्ट होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको हर बार पूरा का पूरा नया जो लॉन्च व्हीकल है वो डेवलप करना पड़ेगा। अब आप इस चीज को ऐसे समझो कि मान लो आप स्प्रिंग बोर्ड के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप सुबह कोचिंग के लिए निकले आए, आप वो कोचिंग आ रहे हो, तो आप जो भी बाइक लेकर के आ रहे हो या गाड़ी लेकर के आ रहे हो, जब आप घर से निकले, ठीक है, वो जैसे ही आप स्प्रिंग बोर्ड पहुंचे वहां पर आकर वो खत्म हो गई। अब अगले दिन आप वापस घर जाओगे, अगले दिन जब आप आओगे नई गाड़ी लेकर के आओगे, वो वापस आओगे खत्म, फिर अगले दिन आओगे नई गाड़ी लेकर के आओगे, तो अब आप खुद सोच रहे हो कि कितना महंगा होता है ये, कि आप एक बार जो लॉन्च व्हीकल को यूज कर रहे हो वो वापस आपके पास में नहीं आ रहा है, आपका बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसके अंदर। तो पहली चीज तो ये कि आपकी लॉन्चिंग की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा इसके अंदर दिक्कत ये आती है कि भाई फ्रीक्वेंट लॉन्च जो होते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाते, कि भाई मेरे को मैंने आज लॉन्च किया, उसके बाद में मेरे को ये है कि यार महीने भर के अंदर ही या 15 दिन के अंदर ही मेरे को दूसरे और मेरे पास सेटेलाइट आ गए, मान लो अफ्रीका के बहुत सारे देशों के सेटेलाइट्स के कंसाइनमेंट या अपन को कहता है ना वो मिल गया कि भाई हमारे लॉन्च कर दो, तो हमको वो लॉन्च करना है। अब पीएसएलवी कोई हलवा है क्या, कि वो लो 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 वो कहते हैं एक दिन के अंदर डेवलप हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, तो इनको डेवलप होने के अंदर महीनों लग जाते हैं, ठीक है, तैयार करने के अंदर। और हमारे पास में ऐसे नहीं होता है कि आपने अरे तो इसमें क्या हो गया, तो फिर अगर ज्यादा फैसिलिटीज आप लगा दो, अरे करोड़ों रुपए लगते हैं इन फैसिलिटीज को डेवलप करने के अंदर, करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, करोड़ों भी नहीं अरबों रुपए लगते हैं, तो इतना नहीं होता है हमारे पास में। अगर ऐसा ही इतना ईजी होता तो आगे अपन डिफेंस के अंदर बात करेंगे कि जो आपके ये विमान वाहक पोत होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, आपकी सबमरीन्स होती हैं, इनको बनने के अंदर 8-8, 9-9 साल लग जाते हैं, ठीक है, ये हिसाब किताब होता है। अब आपको साहब ऐसी फैसिलिटियां और बना दो, हाँ तो वो कहते नहीं वो बना दी ना, तो फिर आपके एक स्टेट की जीडीपी पूरी ले जाओ वहां से, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो फ्रीक्वेंट लॉन्च पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, कि धड़ाधड़ आप प्रक्षेपण करना चाह रहे हो नहीं पॉसिबल, क्यों, क्योंकि आपको वापस से पूरा पूरा पीएसएलवी या जीएसएलवी नया डेवलप करना पड़ेगा। और तीसरी दिक्कत क्या होती है कि मानव मिशन पॉसिबल नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि ये तो सेटेलाइट ये तो गया रॉकेट वापस आया ही नहीं, तो आपने आदमी को ऊपर तक भेज तो दिया, वापस नीचे लाने का आपके पास कोई जुगाड़ है ही नहीं, तो ठीक है, तो ये दिक्कतें रहती है जो कन्वेंशनली हम पीएसएलवी और जीएसएलवी यूज करते हैं उनकी। तो इसीलिए क्या किया गया कि हमने आरएलवी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है वो डेवलप करने की बात करी, ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आरएलवी जो है वो क्या है, आरएलवी एक ऐसा प्रक्षेपण यान होगा, ऐसा लॉन्च व्हीकल होगा जिसको वापस से उपयोग में लिया जा सकता है, जिसको एक से अधिक बार, मोर देन वन टाइम जो है, जिसको हम यूज में ले सकते हैं। अब ये कैसे ले सकते हैं, तो देखो आरएलवी एक ऐसा लॉन्च व्हीकल होगा जो पहले तो सैटेलाइट को वहां तक लेकर के जाएगा, ठीक है, उसकी ऑर्बिट तक, वहां पर उसको प्लेस करेगा, वहां उसको स्थापित करेगा, और उसके बाद में ये नियंत्रित रूप से वापस लैंडिंग करेगा,
ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर पृथ्वी के वातावरण में वापस से प्रवेश करेगा और जो भी उच्च ताप और दाब की परिस्थितियां होती है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस होती हैं, उनको विदस्टैंड करते हुए क्या करेगा, एक निश्चित स्थान पर, निर्धारित स्थान पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर वापस से लैंड कर जाएगा, जहां से सेफली लैंड कर जाएगा, जहां से हम उसको वापस से कलेक्ट कर लेंगे, उसमें फ्यूल वापस से भरा, प्रोपेलेंट वापस से भरा और वापस से उसको लॉन्च के लिए तैयार कर देंगे। समझ गए आप इस चीज को? तो ये क्या है आपका RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब इसको आप एक से ज्यादा बार वो कहते ना कि ये प्रक्षेपण के लिए यूज में ले सकोगे। और इसरो ने 2016 के अंदर RLV-TD का विकास कर लिया, एक सक्सेसफुली इसकी टेस्टिंग कर ली। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मतलब तकनीक का प्रदर्शन करने वाला, टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला, ठीक है। तो हमने इसकी जो टेस्टिंग है RLV की, वो सक्सेसफुली 2016 के अंदर ही हमने कर ली है भाई, ठीक है। तो ये है आपका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि ये कैसे काम करेगा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो होता क्या है, ये आपके RLV का ढांचा है, ये स्ट्रक्चर है। अभी आपने थोड़ी देर पहले PSLV और GSLV को देखा होगा, ठीक है, उससे ये काफी डिफरेंट आपको लग रहा होगा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाता है आपका शटल, ठीक है। तो जो ये स्पेस शटल है ये एक अलग हिस्सा होगा, ये दूसरा हिस्सा इसका कहलाता है बूस्टर, ठीक है। तो ये दो इसके हिस्से होंगे। बूस्टर के अंदर पूरा का पूरा प्रोपेलेंट भरा हुआ होगा जो इसको प्रणोदित करने का काम करेगा, ऊपर ले जाने का काम करेगा। ये स्पेस शटल जो है इसके अंदर भी आपके प्रोपेलेंट होंगे, इंजन होंगे, ठीक है, और ये भी आगे गति करने का काम करेगा। तो देखो होगा क्या कि अपन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा सार जो है वहां से हम इसको लॉन्च करेंगे RLV को। ये लॉन्च होएगा, उसके बाद में देखना भाई ऊपर तक जाएगा, जब तक आपका ये बूस्टर या ये स्टेज काम करेगी तब तक ये ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि ये स्टेज आपकी हो जाएगी सेपरेट, ये वाला हिस्सा जो है ये सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होने के बाद भी इसमें फ्यूल खत्म नहीं होगा भाई, ठीक है। इसको कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर जो आपकी सिस्टम होगा उसके थ्रू इसको कंट्रोल्ड मैनर के अंदर वापस से लैंड करवाया जाएगा आपके सी के अंदर, समुद्र के अंदर, या कोई भी आपके निर्धारित लोकेशन के ऊपर, ठीक है। आपने अगर फाल्कन 8 और फाल्कन 9 जो है स्पेस एक्स के, अगर आपने उनके वीडियो देखे हो तो आपको एग्जैक्टली आइडिया रहेगा कि बूस्टर आपका यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ये स्टेज सेपरेट हुई उसके बाद में बूस्टर जो है, देखना यहाँ से इसके गैसेस निकल रही थी, ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ पर गया, उसके बाद में ये ऐसे वापस नहीं आएगा, ये चीज ध्यान करना। ये क्या होगा कि इसी तरीके से वापस आएगा कंट्रोल्ड मैनर के अंदर, तो धीरे धीरे यहाँ पर आएगा। इसके इंजन अभी भी इधर ही की तरफ ही काम करेंगे ताकि ये जो ग्रेविटी के कारण ये नीचे आ रहा है इसकी स्पीड को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। क्यों? क्योंकि थ्रस्टर या बूस्टर तो ऊपर की तरफ धकेलेंगे, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की तरफ खींचेगा, और इन दोनों के बीच में जब संतुलन बना रहेगा तो उस प्रकार से आप एक वो कहते हैं कंट्रोल्ड मैनर के अंदर इसको लॉन्च वो कहते हैं ये लैंड करवा लोगे, ठीक है। तो ये इसकी स्टेज की बात होगी। अब यहां से आगे जाता है आपका ये जो स्पेस शटल है, ये इस शटल के माध्यम से क्या होगा कि ऑर्बिट तक, निश्चित ऑर्बिट तक सैटेलाइट को ले जाया जाएगा। सैटेलाइट को ये शटल वहां पर लॉन्च कर देगा, वहां पर स्थापित कर देगा, और उसके बाद में ये शटल जो है ये कंट्रोल्ड मैनर में इस तरीके से आकर के पृथ्वी पर कोई एयर स्ट्रिप होगी, हवाई पट्टी या फिर कोई दूसरी जगह होगी, ठीक है, वहां पर सेफली लैंड कर जाएगा, वहां पर उतर जाएगा, और वहां से हम इसको वापस से कलेक्ट कर लेंगे, फिर से इन दोनों के अंदर फ्यूल भरा, इन दोनों को असेंबल किया, फिर से लॉन्च कर दिया। समझ गए आप इस चीज को, ठीक है। तो ये है आपका RLV। अब इसके अंदर देखना भाई, ये जो आप स्पेस शटल देख रहे हो ना, ये थोड़ा हवाई जहाज जैसा सा होता है, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसी सी शेप होती है, जो आपकी कल्पना चावला गई थी, USA द्वारा जो भी स्पेस मिशन किए गए हैं उनके अंदर आपके जो स्पेस शटल होते हैं इसी प्रकार के, उनका उपयोग किया जाता है। इनके ऊपर आपकी हाई क्वालिटी की हीट शील्ड्स जो हैं उनका उपयोग किया जाता है, जो जब ये वापस से वातावरण में प्रवेश करेंगे, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर या वातावरण कहाँ तक है आपके, ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल, या फिर हद से हद आप स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल की बात करो, 50 किलोमीटर तक के, ये तो आपके लोअर ऑर्बिट GTO तक जाएंगे, 35,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं ये, ठीक है। तो वहां पर जब ये जाएंगे तो उसके बाद ही वापस जब वातावरण में प्रवेश करेंगे तो आपको पता है कि भाई उच्च ताप और दाब की परिस्थितियां जनरेट होती है, जबरदस्त घर्षण होता है जिसके कारण जल करके नष्ट हो जाते हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए उल्कापिंड जो है वो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते हैं, जल करके खाक हो जाते हैं, कुछ ही नहीं बचता है उसका। तो इतना जब वो स्पीड से वापस आएगा तो इतने हाई टेम्परेचर को वो कहते हैं हैंडल करने के लिए क्या होता है, ऊपर हीट शील्ड्स लगाई जाती हैं, अंदर जो होता है कूलिंग सिस्टम होता है पूरा का पूरा, और ये स्पेस शटल जो है ये कंट्रोल्ड मैनर के अंदर आपका क्या करेगा, लैंड कर जाएगा। कल्पना चावला जिस स्पेस शटल में दुर्घटना का शिकार हुई थी उसमें यही गड़बड़ हो गई थी कि जो आपका स्पेस शटल है उसकी हीट शील्ड्स जो है वो
हीट शील्ड्स के नीचे काम करता है आपका कूलिंग सिस्टम, और वो जो कूलिंग सिस्टम है वो काम करना बंद हो गया था, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, तो हीट शील्ड्स जो है वो एक लिमिट तक तो हीट को झेल पाई, उसके बाद में जो है नीचे कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण से क्या हो गया कि उस शटल के अंदर आग लग गई और कल्पना चावला जो है वो भगवान को प्यारी हो गई। ठीक है, तो ये उसी तरीके का थोड़ा हिसाब किताब है, मैं आप जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये आपका स्पेस शटल है, नीचे आपका ये बूस्टर है, ये आपका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हो गया। ठीक है भाई, अब इसके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें और करें, तो ये जो RLV हमने डेवलप किया है, इसरो ने डेवलप किया है, इसके अंदर इंजन कौन सा यूज किया जा रहा है, तो इसके अंदर स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना भाई, स्क्रैमजेट इंजन जो होता है ये रॉकेट इंजन नहीं होता है, ये जेट इंजन होता है, नाम इसके अंदर आ रहा है भी जेट। ठीक है, ये जेट इंजन होता है, जेट इंजन कौन से होते हैं, जो जेट विमानों के अंदर ठीक है यूज लिए जाते हैं, जेट विमान, फाइटर जेट्स होते हैं, लड़ाकू विमान कह लो, कोई भी विमान जो होते हैं जो एटमोस्फेयर के अंदर गति करते हैं। ठीक है, तो वो वाले जो है जेट इंजन एक अलग चीज होता है, जब अपन डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, और रॉकेट इंजन अलग चीज होता है। ठीक है, जेट इंजन बहुत तरीके के होते हैं, आपके टर्बो फैन इंजन होता है, टर्बो जेट इंजन होता है, आपका रैम जेट इंजन होता है, और स्क्रैम जेट इंजन होता है। तो स्क्रैम जेट इंजन जो है वो सबसे शानदार, सबसे दी बेस्ट टाइप के जो वर्तमान के अंदर जेट इंजन है वो स्क्रैम जेट इंजन होते हैं। तो स्क्रैम जेट इंजन का इसके अंदर उपयोग किया गया है। फिर इसके अंतर्गत RLV का जो हमने विकास किया है, इसके अंतर्गत हमने कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ चीजें हैं जिनको हमने टेस्ट किया, वो कौन कौन से टेस्ट हमने किए, तो फर्स्ट है आपका हाइपरसोनिक फ्लाइट। हाइपरसोनिक क्या होता है, आपको डिफेंस के अंदर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना भी तेज जब कोई चीज चलती है, ठीक है, तो वो हाइपरसोनिक कहलाती है। तो हाइपरसोनिक फ्लाइट, ये बहुत तेज गति से जो फ्लाइट आती है उसको हमने टेस्ट किया है। पावर्ड क्रूज फ्लाइट, ये टेस्टिंग करिए। पावर्ड क्रूज फ्लाइट का मतलब क्या हो गया, क्रूज का मतलब हो गया कंट्रोल्ड मैनर के अंदर, ठीक है, और पावर्ड का मतलब ये हो गया कि भाई उसका प्रोपल्शन काम कर रहा है, ठीक है, और फिर भी हम उसको कंट्रोल्ड मैनर के अंदर क्या कर रहे हैं, उस फ्लाइट को कंडक्ट करवा रहे हैं और उसको वापस से उतार रहे हैं। ठीक है, हाइपरसोनिक फ्लाइट यूजिंग एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन, थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, आपको समझने की जरूरत नहीं है, नाम आप थोड़ा सा याद रख लो, ठीक है, और ऑटोनोमस लैंडिंग। ऑटोनोमस लैंडिंग मतलब अपने आप से ये आकर के, स्वायत्त रूप से आकर के लैंड कर जाए, हालांकि ये कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होगा, बट होगा क्या कि भाई ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक ही होगा कि सिस्टम और वो जो आपका वहां उसका गाइडेंस सिस्टम है रॉकेट का, वो ही मिल करके काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये सारा का सारा हो गया आपका RLV के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्यूचरिस्टिक के अंदर, सेकंड जो हमने बात करी थी SSLV के बारे में, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV। ये डेवलप किया जा रहा है इसरो द्वारा, ये अभी तक डेवलप हुआ नहीं है, ये अंडर डेवलपमेंट है, और इसको बेसिकली कहा जाता है आपका बेबी रॉकेट। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, नाम अपने आप में बता रहा है, जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स जो होते हैं, स्मॉल सैटेलाइट्स जो होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए बनाया जाए ऐसा, तो ये इसरो का बेबी रॉकेट है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, निर्माणाधीन है। देखो तो चक्कर क्या है, PSLV और GSLV जो है ना, आपने कहावत सुनी होगी भी कि जहां पे वो कहते ना कि सुई का काम हो वहां पे तलवार की क्या जरूरत। ठीक है भाई, अब सुई से काम हो रहा है वहां तुम तलवार घुसेड़ रहे हो, जबरदस्ती कपड़े को फाड़ोगे या उसके हिस्से से करोगे, ठीक है, तो उसका कोई लॉजिक तो है नहीं, कोई तुक नहीं है। तो वही बात है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में PSLV GSLV जो है, आपने देखा ही होगा, वो PSLV क्या है कि ये 1100 किलोग्राम तक के वो कहते ना कि वेट को, या सैटेलाइट को, या फिर आपके 1680 किलोग्राम के पेलोड को, या फिर 1800 किलोग्राम तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है। तो मान लो आपके पास में उतना ही नहीं, आपके पास में 400 किलोग्राम तक का ही पेलोड है, तो अब आप क्या करोगे, तब आप वेट करोगे कि हाँ भाई और भी सामान आ जाए। जैसे नहीं होता है अपने छोटे शहरों के बीच में जो बसें चला करती है, प्राइवेट बसेस, या गाँव की वहां पे बसेस चला करती है, तो वो लोग सवारियों का वेट करते हैं, जब तक बस फुल नहीं होगी तब तक हम लेकर के नहीं जाए, तो रोक करके रखोगे आप PSLV को, नहीं नहीं वो कहता ना और सामान आएगा। अब तो ऐसे थोड़ी होता है, दूसरे देश वेट थोड़ी नहीं करेंगे, वो किसी और से लॉन्च करवा लेंगे अपना, ठीक है, तो हमारा रेवेन्यू का नुकसान होगा उसके अंदर, तो क्या किया जाए। तो एक काम करते हैं कि भाई ये इतनी हाई कैपेसिटी वाले, यानी कि जो ये तो तलवारें अपने को उसकी जरूरत नहीं, अपन को छोटा एक बना लेना चाहिए जिसको अपन क्या कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली यूज कर सकें, और कम वेट वाले जो सैटेलाइट हैं उनको अपन आराम से इसके तहत लॉन्च कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे हमारे को बेनिफिट होंगे, चलो उनको अपन आगे देख लेंगे, पहले इसके बारे में छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो ये इसरो का बेबी रॉकेट है, ठीक है, इसकी खास बातें क्या है, तो इसको मात्र 15 दिन के अंदर असेंबल किया जा सकता है, बहुत तेजी से असेंबल हो सकता है। मैंने आपको बोला PSLV GSLV को बनाने के अंदर महीनों लग जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये 15 दिन के अंदर असेंबल होकर के तैयार हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, तो करो फटाक से लॉन्च करो। फिर इसके माध्यम से आप स्मॉल सैटेलाइट्स,
छोटे जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च कर सकते हैं। छोटे सैटेलाइट बोले तो जो आपके माइक्रो सैटेलाइट होते हैं, मिनी सैटेलाइट होते हैं या नैनो सैटेलाइट होते हैं, उनको लॉन्च कर सकते हो। माइक्रो, मिनी, नैनो, ये क्या है? तो देखो, ये आज मैंने आपको पहले भी बोला होगा, पहले की क्लास में भी कभी न कभी, कि भाई जो सैटेलाइट होते हैं ना, वो कोई बहुत बड़े तामझाम नहीं होते सारे के सारे, कुछ छोटे मोटे छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी होते हैं। इतने इतने से आपका ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, या आपका जो पेन है, ठीक है, या एक छोटा सा आपके पास में कोई बॉक्स हो, तो उतने उतने भी सैटेलाइट होते हैं। ये माइक्रो नैनो लेवल के छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज द्वारा, स्टूडेंट्स द्वारा भी बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो छोटे छोटे से सैटेलाइट्स खूब सारे होते हैं, तो उनको लॉन्च करने के लिए पीएसएल भी लेके आओगे क्या? जहाँ सुई से काम हो रहा, तलवार घुसेड़ोगे वहां पे, कोई मतलब नहीं उसका। तो क्या है, उसके लिए एसएसएल भी जो है वो डेवलप किया जा रहा है। ये 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को या पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में केपेबल है, और 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को या पेलोड को SSO, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा तक ले जाने में सक्षम है। याद आ रहा है भी आपको, लो अर्थ ऑर्बिट का एक स्पेशल टाइप होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। तो 500 किलोग्राम और 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को ये ले जा सकता है। फिर इसकी एक और खास बात है कि ये मल्टीपल ऑर्बिटल ड्रॉप ऑफ कैपेबिलिटी से युक्त है, ठीक है। मल्टीपल ऑर्बिटल ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा, ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट्स जो होती हैं अलग अलग, एक से ज्यादा ऑर्बिट्स, ड्रॉप ऑफ मतलब वहां पर ड्रॉप कर देना, ठीक है। यानी कि ये जो एसएसएलवी है, ये खूब सारे सैटेलाइट्स को लेकर के चला जाएगा, भाई छोटे छोटे बहुत सारे सैटेलाइट, और उनको ये मल्टीपल ऑर्बिट्स के अंदर, अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर उनको ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर क्षमता होगी। ऐसा नहीं है कि ले जाकर सारों को कहता है एक ही जगह पे, वहां बस स्टैंड पे उतार दिया, फूटे तुम्हारे के, अब यहां से जाओ तुम, नहीं। जिसका जहां पर डेस्टिनेशन है, हम एग्जैक्टली उसको वहां पर छोड़ कर गएंगे, जिस भी ऑर्बिट के अंदर के, भाई इसको जो है 1500 किलोमीटर की हाइट के ऊपर लॉन्च करना है तो उसको 1500 पे करेगा, इसको 1508 पे करना है तो उसको 1508 पे करेगा, जिसको जिस हाइट पे ड्रॉप ऑफ करना है जिस सैटेलाइट को, उसको उसी ऑर्बिट के अंदर ड्रॉप ऑफ करेगा ये, ठीक है। तो मल्टीपल ऑर्बिटल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटी से या कैपेबिलिटी से युक्त होगा ये। फिर इसके अंदर आपकी थ्री स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट जो है, तीन स्टेज ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाएगा। याद आ रहा है भाई, ठोस प्रणोदक, सॉलिड प्रोपेलेंट, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। और जिसके अंदर आपके अमोनियम परक्लोरेट जो है उसको यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजर, तो उसको यहाँ पर यूज किया जाएगा। फिर इसका क्या महत्व है या क्या फायदा है, देखो इस बेबी रॉकेट का, तो देखो इससे ये होगा कि आपको बहुत फ्रीक्वेंट लॉन्च आप कर पाओगे, कि भाई आपके पास में अगर कम या छोटे सैटेलाइट भी हैं तो उनको भी आप लॉन्च कर सकते हो। आपकी जो लॉन्चिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, कि भाई जहाँ पे जबरदस्ती आपको पीएसएलवी जीएसएलवी लॉन्च करने पड़ रहे थे, उनको बनाना पड़ रहा था इतना ज्यादा, ये यहाँ पे इतना कोई लोड नहीं है। छोटे छोटे से इक्विपमेंट्स होंगे, इनके हिसाब किताब होंगे, बना करके रख लोगे, फटाफट असेंबल कर दोगे और उसको लॉन्च कर दोगे, ठीक है। और अल्टीमेटली इससे क्या होगा, इसरो के रेवेन्यू के अंदर वृद्धि होगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा इससे, समझ गए भाई इस चीज को। तो ये कुल मिलाकर के आज आपके लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान जो है वो कंप्लीट हो गए। किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल अपन ने देख लिए, तो अभी तक अपन क्या देख चुके हैं भाई? देखो, सबसे पहले अपन ने देखा ब्रीफ हिस्ट्री, संक्षिप्त इतिहास, उसके बाद में हमने देखी ऑर्बिट्स, कक्षाएं, उसके बाद में हमने देखा प्रणोदक, प्रोपेलेंट और क्रायोजेनिक स्टेज के बारे में। अब अपन ने देख लिया लॉन्च व्हीकल या फिर आपके प्रक्षेपण यान। अब इसके बाद में आपका जो सबसे लास्ट टॉपिक बचता है स्पेस टेक्नोलॉजी का, टॉपिक का मतलब ये है कि जो सेगमेंट अपन बांट करके पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपन एंटर कर जाते हैं, वो है आपके उपग्रह, सैटेलाइट्स। जब आपके सैटेलाइट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा, कंसेप्चुअल लेवल पर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्यों? उपग्रह हो गए, हो जाएंगे आपके, ठीक है, रॉकेट हो गए, प्रक्षेपण यान हो गए, इनके अंदर कौन सा फ्यूल प्रोपेलेंट यूज किया जाता है, कौन सी कक्षाओं में उनको लॉन्च किया जाता है, ये सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो रतन जी पूछ रहे हैं कि सर GTO से GEO तक कैसे जाएगा बिना इंजन? तो देखो, रॉकेट इंजन नहीं होता है, लेकिन आपके सैटेलाइट जो होते हैं उनके अंदर भी छोटे छोटे से बूस्टर्स या थ्रस्टर्स बोला जाता है वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको एक्टिवेट करके आप क्या कर सकते हो कि सर्टेन मैन्यूवर्स जो है वो किए जा सकते हैं। कई बार अपने कल भी बात करी थी, कई बार ऐसा होता है कि आपको सैटेलाइट की जो पोजीशन है या जो ऑर्बिट है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, कई बार एडजस्ट करना पड़ता है कई बार, तो उसके लिए थ्रस्टर्स होते हैं उनके अंदर, बूस्टर्स होते हैं छोटे छोटे से। आपने इंटरस्टेलर, आप में से बहुतों ने मूवी देखी होगी तो आपको अच्छे से आइडिया होगा, थ्रस्टर्स होते हैं उनके अंदर छोटे से, ठीक है, उनको यूज किया जा सकता है। इंजन, रॉकेट इंजन बहुत बड़ी चीज हो जाती है, थ्रस्टर बूस्टर छोटी छोटी सी चीजें हैं।
चलिए भाई, ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका। अगला अपन जो सेगमेंट पढ़ने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, वो है आपके सैटेलाइट्स, यानी कि उपग्रह। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। तो उपग्रहों को अपन बेसिकली या मेनली आप ये कह लो कि चार कैटेगरी के अंदर बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, सुदूर संवेदी उपग्रह। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर संचार उपग्रह। फिर जो आपकी तीसरी कैटेगरी है वो है आपके नेविगेशन सैटेलाइट, नौवहन उपग्रह। और चौथी जो कैटेगरी है वो आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट या फिर स्पेस साइंस सैटेलाइट, जिन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान या फिर अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह भी कहा जाता है। तो इन चार कैटेगरी के अंदर अपन देख करके देखेंगे, उपग्रहों को बांट करके पढ़ेंगे अच्छे से। तो आप लोगों के पास में पीडीएफ जो है वो पीछे तक की रही होगी, ठीक है, बट आप चिंता मत करना। ये वाला मेरे को लगा था कि आपके थोड़ा सा कोर्स थोड़ा मतलब ठीक स्पीड से रहा है, जिस कारण से ये थोड़ा सा टॉपिक और आ गया है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर पढ़ लो, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको जैसे कल आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, पूरी पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी की आपको कल ऐप में अवेलेबल हो जाएगी। चलो भाई, तो शुरू करते हैं उपग्रहों के बारे में। तो एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की या फिर सुदूर संवेदी उपग्रहों के बारे में देखते हैं। तो देखो, सुदूर संवेदी उपग्रहों को देखने से पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा कि सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो रिमोट सेंसिंग क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए बिना उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, जानकारियां एकत्रित करना, ये कहलाता है सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग। ठीक है, कि आप किसी के भौतिक संपर्क में नहीं आए हो, डायरेक्टली उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आए, दूर से ही आप उसके बारे में ऑब्जर्व करके किसी भी तरीके से, ठीक है, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आगे अपन देखेंगे कि कैमरास लगे होते हैं, सेंसर्स लगे हुए होते हैं, और भी उपकरण लगे हुए होते हैं जिनके माध्यम से आप दूर से ही सेंस करके उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हो। तो ये क्या कहलाता है, सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग कहलाता है, ठीक है। और सुदूर संवेदन के लिए जो हम उपग्रहों का उपयोग करते हैं, सेटेलाइट्स को यूज करते हैं, ऐसे सैटेलाइट क्या कहलाते हैं, आपके सुदूर संवेदी उपग्रह कहलाते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहलाते हैं। अब ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, इनको सामान्यतः जनरली हम लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, निम्न भूकक्षा के अंदर लॉन्च करते हैं, ठीक है। याद आ रहा है आपको, अपन ने जब लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात करी थी, निम्न भूकक्षा के अंदर बात की थी, तो उसके उपयोगों के अंदर अपन ने देखा था सुदूर संवेदी या वो सुदूर संवेदन, ठीक है, रिमोट सेंसिंग। तो वो चीज यहां पर आपको वापस से रिकनेक्ट होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि लो अर्थ ऑर्बिट में ही इनको लॉन्च किया जाए, ठीक है। आप अगर अपन बात करेंगे कि हमने भी एक दो सुदूर संवेदी उपग्रह जो है वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर लॉन्च कर रखे हैं, तो तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए कि तुम 35,786 किलोमीटर की हाइट से भी वो कहते हैं सुदूर संवेदन करवा सको। इतने पावरफुल कैमरा है तुम्हारे पास, इतने पावरफुल सेंसर है, तो करवा लो वहां से, कौन रोक रहा है तुम्हारे को। बाकी जनरली सामान्यतः जो है सुदूर संवेदी उपग्रह जो होते हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भूकक्षा में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये जो आपके सुदूर संवेदी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, यहाँ पर इनका परिक्रमण काल, रिवोल्यूशन पीरियड कितना होता है, तो याद करो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई, 90 मिनट से 128 मिनट के बीच में होता है, यानी कि 1.5 से 2 घंटे के बीच में लगभग होता है। ये बेसिक बात हुई। अब अपन देखते हैं भाई, ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन करते कैसे हैं। तो देखो, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के ऊपर बहुत सारे कैमरास लगे हुए होते हैं, सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जो अलग अलग रेडियो सॉरी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग करते हैं। जैसे रेडियो वेव्स हो गई आपकी, रेडियो तरंगे हो गई, दृश्य तरंगे हो गई, दृश्य प्रकाश विजिबल रेज हो गई आपकी, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, अवरक्त तरंगे हो गई। तो इनका उपयोग करके इसके ऊपर जो सेंसर्स और कैमरास लगे हुए होते हैं वो सुदूर संवेदन का काम करते हैं, ठीक है। जैसे पहले तो आप इस चीज को समझो, मैंने कल भी आपको बताया था, कल की क्लास के अंदर भी, कि सुदूर संवेदन जैसे भाई देखो, हमारे भगवान ने भी हमारे को क्या दे रखा है, ये रिमोट सेंसिंग कुछ इक्विपमेंट्स हमारे अंदर सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं। जैसे हमारी आंखें जो है, हमारी आंखें एक प्रकार का कैमरा है, ठीक है, जो किसके आधार पर काम करती हैं, ये विजिबल रेज पर, दृश्य प्रकाश पर काम करती हैं, कि जब किसी ऑब्जेक्ट से दृश्य प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हमारे को उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है कि ये जो है ये इस कलर का है, ये इतना इतना बड़ा है, ऐसा ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा है। कैसे पता चला, आपकी आंखों पर दृश्य प्रकाश आ रहा है। अगर दृश्य प्रकाश नहीं आएगा तो आपकी आंखें, आपका कैमरा ये जो है ये काम नहीं करेगा। इसका एग्जांपल, आप रात को अंधेरा होता है, जब प्रकाश की अनुपस्थिति होती है, एब्सेंस ऑफ लाइट होता है, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि तब आपका ये सेंसर जो है, ये आपका जो सिस्टम है, ठीक है, ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी कैमरा लगा रखे होते हैं,
ठीक है, अलग अलग सेंसर्स लगा रखे होते हैं, जो कोई तो दृश्य प्रकाश पर काम करता है, कोई सेंसर जो है वो रेडियो वेव्स पर काम करता है, कोई अवरक्त तरंगों पर काम करता है, और इस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी वो एकत्रित करते रहते हैं। ठीक है, समझ गए इस चीज को। अब ऐसे कुछ पेलोड्स या फिर आप ये कह सकते हो ऐसे जो इक्विपमेंट या सेंसर जो है जो लगे हुए होते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स पर, बहुत कॉमन नाम होते हैं, तो उनके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है आपका लाइन इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा, इसको बोला जाता है LIS, LISS। ठीक है, तो LIS या लाइन इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा क्या होता है? तो देखो, सुदूर संवेदन में क्या होता है, आपका जो सैटेलाइट है, मैंने बात करी भी, लो अर्थ ऑर्बिट में सामान्यतः इसको लॉन्च किया जाता है, और लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये जो सैटेलाइट होते हैं ये पृथ्वी के एक दिन के अंदर 12 से 15 चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है, तो जब ये पृथ्वी के ऊपर से होकर के गुजरता है ना, तो एक पट्टी नुमा क्षेत्र को स्कैन करते हुए जाता है, उसको देखते हुए जाता है। ठीक है, उसकी स्कैनिंग करते हुए निकलेगा, उसको सेंस करते हुए निकलेगा, उसके फोटोग्राफ्स लेते हुए निकलेगा। ठीक है, तो जब ये किसी भी क्षेत्र के ऊपर से गुजरता है तो उसकी स्कैनिंग करते हुए निकलता है, और ये एक पट्टी नुमा क्षेत्र होता है। इसीलिए देखो भाई, लाइन इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा, लाइन इमेजिंग एक पट्टी नुमा क्षेत्र जो है उसकी इमेजिंग करते हुए निकलेगा, उसकी स्क्रीनिंग करते हुए उसको स्कैनिंग करते हुए निकलेगा। सेल्फ स्क्रीनिंग का मतलब क्या हो गया कि ये पूरे टाइम ऑटोमेटिकली काम करता रहता है, आपको अलग से इसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, पूरे टाइम उसको स्कैन करता रहेगा। ठीक है, तो LIS क्या है, लाइन इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा, ये सुदूर संवेदी उपग्रह पर लगने वाला सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट जो इक्विपमेंट होता है वो होता है। फिर दूसरा है आपका वाइड फील्ड सर्वे, वाइड का मतलब होता है विस्तृत या चौड़ा, फैला हुआ। ठीक है, फील्ड मतलब क्षेत्र, और सर्वे मतलब सर्वे करना या उसको देखना, ऑब्जर्व करना। तो देखो, LIS जो होता है आपका लाइन स्क्रीनिंग सेल्फ स्क्रीनिंग लाइन इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा, इसकी देखो एक दिक्कत रहती है, दिक्कत ये कि एक पट्टी नुमा क्षेत्र जो है ना उसी को ये कवर करते हुए निकलेगा। अगर उस कैमरा की इतनी सी वो कहते ना कि उसका हिसाब किताब ये है कि ये सिर्फ इतने इतने से क्षेत्र को कवर कर रहा है, तो उतने से ही पट्टी नुमा क्षेत्र को वो कवर करते हुए निकलेगा। समझ रहे हो आप इस चीज को? आपको कोई चाहिए कि नहीं यार कि थोड़ा सा इसके बाजू में भी देख लूँ, इस तरफ भी देख लूँ, थोड़ा इस तरफ भी देख लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बस उतने उतने हिस्से को ही स्कैन करते हुए निकल सकता है, यही उसकी कैपेसिटी होती है। तो ऐसे कुछ इक्विपमेंट इसके ऊपर लगाए जाते हैं जो क्या हो सकते हैं कि अपने अक्ष से 30 डिग्री इस तरफ और 30 डिग्री इस तरफ रोटेट हो सकते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप एक विस्तृत भूभाग का क्या कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो, उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ऐसे कैमरा, ऐसे इक्विपमेंट, ठीक है, जो अपने एक्सिस से, अपने अक्ष से 30 डिग्री दाएं या बाएं मुड़ करके एक विस्तृत भूभाग को स्क्रीनिंग कर सकें, उसका सर्वे कर सकें, वो क्या कहलाते हैं आपके, वाइड फील्ड सर्वे कहलाते हैं। ये तो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और वाइड फील्ड सर्वे जो है वो क्या होता है कि थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर भी घूम सकता है, ताकि ये ज्यादा एरिया को कवर कर सके, स्कैन कर सके। अगला है आपके पैनक्रोमेटिक कैमरा। पैनक्रोमेटिक कैमरा क्या होता है, तो देखो क्रोमा का मतलब होता है रंग। ठीक है, तो ये एक ऐसा कैमरा होता है जो रंगीन चित्र लेने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला है आपका ओशन कलर कैमरा। ओशन कलर कैमरा क्या होता है, तो जो समुद्र है हमारे, ठीक है, उनकी कलरफुल पिक्चर्स लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो महासागरों द्वारा ढका हुआ है भी, ठीक है, ओशंस ने कवर कर रखा है, और वहां पर बहुत सारे मरीन रिसोर्सेज हैं, समुद्री संसाधन हैं, और हमारे को समुद्र को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वो कहते ना कि कंटेक्स में बात कर लो, भले ही आप मिनरल्स के कंटेक्स में बात कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो ओशंस को भी हम स्टडी करते हैं, ओशंस को भी हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, तो ओशन कलर कैमरा। और एक और जो बहुत कॉमन इक्विपमेंट आपको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स पर देखने को मिलेगा वो है वेरी हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर या फिर रेडियोमीटर। वेरी हाई रेजोल्यूशन यानी कि उच्च गुणवत्ता वाली फोटोज लेने वाला स्पेक्ट्रोमीटर या रेडियोमीटर। ठीक है, तो इसके द्वारा हाई रेजोल्यूशन की जो फोटोज होती हैं वो ली जाती हैं। तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के ऊपर लगने वाले कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ कॉमन इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपके माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स या फिर जो विजिबल रेज होती हैं इनका उपयोग करते हैं। चलिए भाई, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं, उनका उपयोग कौन कौन से पर्पस के लिए, कौन कौन से उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो पर्पस है वो है आपका रिसोर्स असेसमेंट, संसाधनों का आकलन करने के अंदर। ये संसाधन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे आपके वनों के, हम बात करें फॉरेस्ट एरिया की बात करें, हम डेजर्टिफिकेशन की बात करें, डेजर्ट्स की बात करें, हम आपके कृषि क्षेत्र की बात करें, एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, जल संसाधनों की, वाटर की बात करें हम, ठीक है,
और आपके जो दूसरे मिनरल्स होते हैं उनकी हम बात करें, ठीक है, मरीन रिसोर्सेज की बात करें, तो इन सभी की जो असेसमेंट है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के माध्यम से किया जा सकता है। कैसे, इस चीज़ को देखो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देख करके बताता हूँ छोटे मोटे, तो आप बाकी चीज़ों को उस संदर्भ में समझ लेना। जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है भाई, ठीक है, वन सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके अंदर प्रत्येक 2 साल के अंदर आती है, आपको पता हो, तो उसके अंदर जो फॉरेस्ट एरिया कवर है उसको बताया जाता है। अब एक बात बताना मेरे को, आपको लगता है क्या कि हमारे यहाँ पर अब जो है वर्तमान समय के अंदर हम एक एक आदमी को भेज करके देखते हैं, ओहो मतलब कितना एरिया है, वो कहता है जंगल ने कवर कर रखा है, लो फीता लेकर के नापो, इसको जा करके देखो, मैं वो कहता है कैलकुलेट करके बताओ हमारे को, ठीक है, और कितना जो है वो सघन एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है, कितना जो है वो नॉर्मल आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, विच्छिन्न टाइप का वैसा सा है एरिया, ट्री कवर है। तो ये चीज़ें व्यक्ति शहर जा करके करना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। इनको कैसे किया जाता है, जो आपका फॉरेस्ट सर्वे किया जाता है वो कैसे होता है, सैटेलाइट्स के थ्रू होता है, कि आप सैटेलाइट के माध्यम से क्या कर लेते हो, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से, वो जब उस हिस्से को स्कैन करते हुए निकलेगा तो आप पूरी उसके फोटोग्राफ्स ले लेते हो, ठीक है, उसको अच्छे से स्कैन कर लेते हो, आपको एग्जैक्टली आइडिया रहता है कि हाँ भाई ये इतना इतना जो एरिया है ये फॉरेस्ट से कवर्ड है, ठीक है, यहाँ पर ये इतना जो ये सिटी है यहाँ पर ऐसे है वैसे है सारा का सारा, ठीक है। और बात करें तो डेजर्ट की, आपको पता है भाई मार्च ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का प्रसार या डेजर्टिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो मरुस्थल का जो है वो प्रसार हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा ये, सैटेलाइट के थ्रू आप देखते हो, ठीक है, आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाता है कि भाई साहब अच्छा ये यहाँ तक था मरुस्थल 2 साल पहले तक, तो अब देखो भाई साहब ये मरुस्थल तो जो है ये फैलता जा रहा है, ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन या डेजर्ट जो होता है उसको उसके लिए भी आप यूज़ करते हो। आपकी जो खेती बाड़ी होती है आपको कैसे पता, सरकार को कैसे पता चलता है कि इतने एरिया के ऊपर दालों की दलहन की बुआई कर रखी है, इतने पे गेहूं की बुआई कर रखी है, ये वो एक एक आदमी जाकर के सारा पता करता है क्या, ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें ग्राउंड रिपोर्ट अपनी जगह होती है, लेकिन आज के टाइम में सैटेलाइट्स का भी उपयोग किया जाता है और ऊपर से ही ये देख करके पता लगा लिया जाता है कि भाई साहब इतने एरिया के ऊपर सरसों बोई हुई है, इतने के ऊपर ये बोया हुआ है, भारत के अंदर इतने पे कपास बोया हुआ है, फलाना निमकाना, ठीक है, तो इस तरीके से। और बात करूँ जल संसाधनों की, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया रहता है भाई नहर वहर जो है वो आपको किस एरिया से गुजारनी है, उसके अंदर पानी वानी का क्या हिसाब किताब है और नहीं है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज ने किस तरीके से पृथ्वी को प्रभावित किया है उसका, और टेक्नोलॉजी का कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स द्वारा कैसे वो कहते हैं इन चीज़ों को पकड़ा जाता है या कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। तो अराल सी नाम का एक सागर है, अराल सागर नाम का एक है सी है, ठीक है, तो उसको एक बार देखना कि वो आज से 20 साल पहले कितना बड़ा था, एक बार प्लीज़ आप जाकर के यूट्यूब के ऊपर उसका वीडियो देखना, नहीं है तो गूगल के ऊपर उसकी फोटोज़ देख लेना, कंपेयर कर लेना कि आज से 20 साल पहले उसकी क्या हालत थी और आज के टाइम में उसकी क्या हालत है। एक टाइम में अराल सी बहुत बड़ा हुआ करता था और वो पानी का एक गजब का वो कितना सोर्स हुआ करता था, और आज के टाइम में वो सिकुड़ करके वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, वो अराल सागर अराल सी था, सोच के देखो कितना बड़ा रहा होगा, वो छोटी मोटी झील नहीं थी, बहुत बड़ा था वो, और आज के टाइम में एक वो कहता है ना अपने यहाँ के छोटे मोटे तालाब और झील होती है ना, उतना सा रह गया वो मात्र। तो सैटेलाइट की इमेज के थ्रू जब आप देखोगे आप हक्के बक्के रह जाओगे। तो कैसे पता चला, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से पता चला, ठीक है। आपके जो समुद्र होते हैं, जो खनिज संसाधन होते हैं, क्या होता है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्कैन करते हुए चलते हैं अर्थ की सरफेस को, और उसके हर जो अर्थ की सरफेस है ना उसका कंपोजिशन अलग अलग होता है भाई, ठीक है, कि भाई उसके उसके अंदर कौन कौन से संगठित तत्व जो है, कौन कौन क्या क्या उसका कंपोजिशन है, कि भाई कौन कौन से मिनरल्स उसके अंदर हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को या किसी भी वेव को, भाई इंफ्रारेड वेव है या कोई भी है, उसको वापस से रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसके आधार पर ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट द्वारा पता लगा लिया जाता है, अच्छा यहाँ पर ये मिनरल या ये खनिज पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, यहाँ पर ये खनिज संसाधन पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट द्वारा, आपके मिनरल्स का जो असेसमेंट है या फिर जो आपका रिसोर्सेज का असेसमेंट है वो किया जाता है। फिर बात करें तो आपके वेदर फोरकास्टिंग के अंदर और वेदर रिसर्च के अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है, मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान लगाने के अंदर इनका उपयोग होता है, कि ये क्या करते हैं पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको कवर करते हुए चलते हैं, तो जो भी मौसमी परिघटनाएं हो रही है, परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारा का सारा आपको पूरे पृथ्वी के लेवल का आपको पता चलता रहता है, डेटा मिलता रहता है, तो कहाँ वो कहते हैं बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस क्या हैं, वो सारी की सारी आप देख सकते हो। इवन आप ये भी पता लगा सकते हो कि किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली हो, तो जैसे तूफान का साइक्लोन का निर्माण हो रहा है भाई अरब सागर के अंदर, जो है आपकी हाइट ये प्रेशर कंडीशंस बन रही हैं, लो प्रेशर कंडीशंस बन रही हैं, क्या है साइक्लोन किधर से बनेगा, किस तरफ वो बढ़ता जा रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, ये सब आप किससे देखते हो,
आपकी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू देखते हो, ठीक है, और जिससे आप क्या कर सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, आपदा प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकते हो, पूर्व चेतावनी जो है अर्ली वार्निंग जारी की जा सकती है, बेटर तरीके से जो भी आपका डैमेज होता है उसका असेसमेंट किया जा सकता है, प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि कहाँ पर आकर ये टकराएगा, किस वो कहते हैं स्पीड से आकर ये टकराएगा, ठीक है, या कोई भूकंप भूकंप हो जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, इस तरीके की कोई चीज़ें होती है, या ज्वालामुखी कहीं पर विस्फोट होता है तो भी देखा जाता है उसके अंदर कि भाई ज्वालामुखी धधक रहा है, अब ये फट सकता है किसी भी टाइम के अंदर, तो अर्ली वार्निंग दे दी जाती है इन केस आपदा आ गई है, सुनामी वुनामी या कोई भूकंप भूकंप आ गया है, कुछ भी है, तो उसके बाद में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, खोज अभियान चलाए जाते हैं, उसके अंदर भी सैटेलाइट्स की मदद ली जाती है, कहाँ पे लोग फंसे हुए हैं या कहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुआ है या व्हीकल्स कहाँ से जा सकते हैं, सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनके अंदर आपके सैटेलाइट जो है ये मदद करते हैं। उसके बाद में सर्वेलांस एंड रिकॉनेसेंस के अंदर, जासूसी और निगरानी के अंदर भी, इंटेलिजेंस गैदरिंग के अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है। परमाणु मूवी आपने देखी होगी भाई, ठीक है, और अगर अपन बात करें तो भाई जो ये सैटेलाइट होता है ये क्या करते हैं, भाई पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा रहे होते हैं और दिन के अंदर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर से खूब ही गुजरेगा, तो हम क्या करेंगे भाई, पाकिस्तान के ऊपर से हमारा जब भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या फिर हमारा जो भी ये क्या इंटेलिजेंस वाला सैटेलाइट जब भी गुजरेगा तो हम उसको पूरा स्कैन करते हुए चलेंगे, उसकी फोटोज लेते हुए चलेंगे, और उससे आपको एग्जैक्टली आइडिया रहेगा कि भाई उनकी आर्मी का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, बटालियंस मूव कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, क्या चीज़ें हैं, कहीं पर नई जगह पर उन्होंने कोई आतंकवादियों के ये शिविर तो नहीं बना दिए हैं, ठीक है, कहीं पर पहले बंकर नहीं था लेकिन अब आपको वहां पर बंकर दिखाई दे रहा है, कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। चाइना जो है वो आपके एलओसी सॉरी आपकी जो एलएसी है, ठीक है, इसके अलग साइड में कोई डेवलपमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर रहा है, तो आपको पता चलता रहेगा वो सारा का सारा, ठीक है। आपका जो अर्बन ये डेवलपमेंट ये सॉरी अर्बन प्लानिंग जो होती है आपकी शहरी नियोजन, उसके अंदर उपयोग किया जाता है कि भाई कहाँ पर सामुदायिक पार्क रखा जाए, कहाँ से जो है रोडें निकाली जाए, सिवरेज लाइन क्या कहाँ से रखी जाए, ताकि क्या हो सके कि भाई बेहतर तरीके से आप क्या कर सको, प्लानिंग कर सको, कोई अच्छा एक शहर बनाया जाए। वरना आपने देखा होगा भाई जैसे आप चंडीगढ़ को देखो, आप जयपुर को देखो, ठीक है, तो ये जयपुर का जो वॉल्ड सिटी है, चंडीगढ़ जो है ये वेल प्लान्ड सिटीज हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे रोडें बहुत सलीकेदार हैं, चीज़ें बहुत प्रॉपरली तरीके से की, वही आप जहाँ पर प्रॉपरली वो कहते हैं शहरी नियोजन नहीं, वहाँ देखो रोडें इधर से जा रही है उधर से जा रही है, कहीं चौड़ी है कहीं पे पतली है, कोई मतलब नहीं है, सीधी सड़कें हैं नहीं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली हो नहीं पाता है, तो प्रॉपर अगर आपको करना है तो आप सेटेलाइट के थ्रू पूरा का पूरा नीचे इमेजिंग कर सकते हो, प्रॉपर सारा का सारा काम करवा सकते हो, आप जो रूरल डेवलपमेंट है ग्रामीण विकास है उसके अंदर सेटेलाइट्स का उपयोग कर सकते हो कि भाई नहर को कौन से एरिया से निकाला जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेत जो है उनको इससे बेनिफिट हो सके, जो सड़क है, ठीक है, स्टेट हाईवे है उसको ग्रामीण एरिया में किस जगह से निकाला जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव है वो उससे जुड़ सकें, या औद्योगिक जो केंद्र हैं वो स्थापित किए जा सकें, या किसानों की जो फसलें हैं वो कृषि मंडी तक पहुँचाई जा सकें, और दसों तरीके की जो चीज़ें होती है कि भाई टिड्डियों का हमला हुआ है, ठीक है, तो कितना नुकसान हुआ है वो भी सैटेलाइट के थ्रू जो है वो पूरा का पूरा देखा जाता है, ड्रोन के थ्रू सैटेलाइट के थ्रू सारा का सारा वो देखा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतने तरीके हैं या इतनी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो है वो उनका उपयोग किया जा सकता है। अब अपन छोटी मोटी इसके बारे में बात और करते हैं, ये हमने ओवरऑल बात करी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के बारे में, ठीक है। अब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, इंडिया के कंटेक्स में, भारत के अंदर जो पहला सुदूर समेधी उपग्रह था वो था IRS-1A, ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A, ये हमने 1988 के अंदर USSR की सहायता से इसको प्रक्षेपित किया था, लॉन्च किया था, ठीक है। फिर वर्तमान में भारत के 13 सुदूर संवेदी उपग्रह जो हैं वो काम कर रहे हैं। देखो ये संख्या घटती बढ़ती रहती है क्योंकि सैटेलाइट्स की अपनी एक एज होती है, ठीक है, 5 साल 7 साल 10 साल, और उसके बाद में कोई रिटायर होता है, नया हम उसकी जगह लॉन्च करते हैं, तो ये अभी 13 है, हो सकता है ये कम ज़्यादा होते रहें, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख लेना। वर्तमान में 13 सुदूर संवेदी उपग्रह जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ मुख्य रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। एक है आपका रिसोर्स सेट, ठीक है, रिसोर्स सेट जो है नाम अपने आप में बता रहा है, देखो भाई रिसोर्स और सेट, ऐसा सैटेलाइट जो रिसोर्सेज का संसाधनों का आंकलन करने के लिए उपयोग में लिया जाता हो, ऐसा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, तो रिसोर्सेज और जो आपके संसाधन है खनिज संसाधन है उनका आंकलन करने के अंदर इसका उपयोग लिया जाता है। ओशन सेट, एक ऐसा सैटेलाइट जिसका उपयोग किया जाता है ओशंस को स्टडी करने के लिए, या फिर हमारे मरीन रिसोर्सेज जो समुद्री संसाधन है, ठीक है, उनका पता लगाने के लिए, ठीक है, तो ये भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ओशन सेट। फिर बात करें कार्टो सेट, तो एक ऐसा सैटेलाइट जो कार्टोग्राफी के लिए उपयोग में लिया जाता है, यानी कि मानचित्रीकरण के लिए जिसका उपयोग में लिया जाता है। याद करो भाई अपने सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सूर्य तुल्यकालिक कक्षा की बात करी थी, जो लो अर्थ ऑर्बिट का ही एक प्रकार था, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर मेनली
आपके सुदूर संवेदी उपग्रह जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं, ठीक है। और जो आपके सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर अपने बात करी थी, उसका उपयोग क्या था, अर्थ इमेजिंग के अंदर, कार्टोग्राफी के अंदर, तो वो यहीं पे आएगा भाई। आप देखोगे कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 3, कार्टोसेट 2, ये लॉन्च किए जाते रहे हैं, ठीक है। कार्टोसेट 3 लॉन्च किया गया है, उसका उपयोग क्या होता है, मानचित्रीकरण करने के लिए, अर्थ इमेजिंग करने के लिए। और इसको कहाँ लॉन्च किया जाता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया जाता है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के अंदर, जो निम्न भू कक्षा का ही एक विशेष प्रकार है, ठीक है। अगला अपन बात करें रीसेट, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है। एक ऐसा सैटेलाइट जिसमें रेडार सिस्टम लगा हुआ होता है, जो रेडार के माध्यम से, रेडियो वेव्स के माध्यम से अर्थ की इमेजिंग करता है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने का काम करता है। फिर आपका मेघाट्रॉपिक्स, मेघाट्रॉपिक्स नाम अपने आप में बता रहा है, मेघ बादल, और ट्रॉपिक्स ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये भारत और फ्रांस की संयुक्त परियोजना है, इसरो की और CNES की, ठीक है, संयुक्त परियोजना है, जॉइंट वेंचर है। और इसका पर्पज क्या है, तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसके अंदर मेघ या बादलों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वाटर साइकिल जो है, उसको स्टडी करना। उसके बाद है आपका सरल सैटेलाइट विद आर्गोस एंड एल्टिका, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी भारत का और फ्रांस का जॉइंट वेंचर है, ठीक है, संयुक्त परियोजना है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अपन बात करें तो नेक्स्ट आपका मैटसेट, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, एक ऐसा सैटेलाइट जिसका उपयोग किया जाता है मौसमीय परिवर्तन या जो मौसम है उसका अनुसंधान करने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए, ठीक है। इसका नाम जो है कल्पना चावला की याद में कालांतर के अंदर हमने कल्पना 1 भी कर दिया था, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है, तो ये हालांकि है तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमारा, लेकिन हमने इसको लॉन्च कहाँ किया है, लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भू कक्षा में नहीं किया, हमने इसको भू स्थिर कक्षा में लॉन्च किया, इतना ऊपर लॉन्च किया 35,786 किलोमीटर की हाइट पे। और हमारे पास इतने पावरफुल कैमरा है, सेंसर हैं, कि हम वहां से क्या कर रहे हैं कि मौसमी अनुसंधान कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैटसेट जो है ये हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया है, जो हमारे यहाँ पर मौसमीय परिवर्तन हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं वातावरण के अंदर, ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए। चलिए, तो ये आज हमने बात कर ली है आपके लॉन्च व्हीकल्स की, जो प्रक्षेपण यान होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है सैटेलाइट्स, उसको हमने शुरू किया, उपग्रहों को, और उसके अंदर जो सबसे पहला प्रकार है आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स या सुदूर संवेदी उपग्रह, उनको हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से सारा का सारा पढ़ करके आना। और प्लीज थोड़ा सा आप वेट करो, आपके सारे जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, डाउट्स हैं, सब आपके टाइम टू टाइम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कल अपन आगे बात करेंगे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, नेविगेशन सैटेलाइट हैं, और स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स हैं, उनके बारे में, ठीक है भाई। चलिए, तो बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई करो, खूब मजे वजे करो, और अच्छे से रिवाइज करके आना, कल आगे की बातें करेंगे अपन कल की क्लास में। थैंक यू।